एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन सो ग्रामर फाउंडेशन सीरीज जो इस चैनल पे हम चला रहे हैं आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है वर्ब और टेंस राइट सो हाई लेट्स गेट स्टार्टेड एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए इज एवरी ऑल राइट इज द ट्रांसमिशन इज गुड ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक अभिलाष खुशी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन सो नमस्कार वेलकम स्वागतम सो विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट द सेशन आई आज थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे हम देखो वो जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही पिवटल चैप्टर है क्योंकि अगर बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की फंक्शनैलिटी देखें तो इसके साथ सीधा कनेक्शन आपको मिलता है आप को वर्ब का कनेक्शन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलेगा बिकॉज नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए फिर आप बात करो अगर एडजेक्टिव की अभी जो पीछे हम एडजेक्टिव और एड का सेशन हमने समाप्त किया है यहाँ पे तो एडजेक्टिव का भी रोल वर्ब के साथ कनेक्टेड है बिकॉज वर्ब का एक टाइप जिसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं Uh, उनको डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करता है तो कनेक्शन आपको एडजेक्टिव के साथ भी मिलता है फिर एडवोब के साथ तो खैर सीधा कनेक्शन है बिकॉज एडवोब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन अनदर एडवर्ब एज वेल वो भी है बट वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब करेगा अगेन अगर आपको वर्ब की समझ है तो ही टेंस की समझ ढंग से होती है और फिर आपको टेंस में कुछ रटने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती बिकॉज टेंस कौन सा है ये डिसाइड वर्ब कर रहा होता है और वर्ब और टेंस की अगर समझ है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की समझ आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है इवन हमारे दो टॉपिक और जो वॉयस और नरेशन है जो अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज कब कोई बात हमें एक्टिव वॉइस में कहनी चाहिए कब पैसिव वॉयस में कहनी चाहिए ये भी समझ आपको डेवलप हो जाती है बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि भाई बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर के ऊपर क्वेश्चन मिलते में लिखना चाहिए कब पैसे में लिखना चाहिए बिकॉज आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर तो करना ही है जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ जाते हो यू हैव टू राइट सेंटेंसेस राइट तो कहने का क्या मतलब है कि इस चैप्टर की समझ से इसलिए मॉडिफायर्स के बाद मैंने वर्ब और टेंस को चूज किया है सो so दैट किसकी अंडरस्टैंडिंग आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद करेगी सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड देखो अगर हम वर्ब की बात करें बिल्कुल डेफिनेशन से शुरू करते हैं मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज वर्ब हाउ डू यू डिफाइन दिस सो एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन निकल के आती है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड राइट वर्ब इज एन एक्शन वर्ड डेफिनेटली देर इज नो डिनाइल इस बात से कोई भी इनकार नहीं है कि वो एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन क्या वर्ब के जितने सारे फीचर हैं वो हम एक्शन वर्ड के जरिए ही बता सकते हैं क्या क्या वर्ब के जितने तरह के यूसेज हैं वो सिर्फ इस एक्शन वर्ड वाली बात के अंदर अकोमोडेट होंगे नहीं वो अकोमोडेट नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि यू आर इंटेलिजेंट राइट या किसी ने कहा शी इज ब्यूटिफुल ऑनेस्ट तो आप क्या देख रहे हो

हालात में है किस अवस्था में है उसकी भी इंफॉर्मेशन कौन देता है वो अब देता है अभी देखेंगे कौन से वर्ब देते हैं कब देते हैं और एक और फंक्शन निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ पजिशन और वो हो जाता है क्या वर्ब ऑफ पोजिशन क्या है क्योंकि यह भी बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है अब एक एक करके जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं जब हम एक्शन वर्ड आप कहीं भी पढ़ रहे हो सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब एक्चुअली मेन वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म्स होती हैं आप जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म पास्ट पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल जिसको फर्स्ट पार्टिसकेंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोलते हो तो आप कोई भी वर्ब अगर लेते हो लाइक राइट रोट रिटर्न वर्ब ये एक्शन वर्ब है या आपने कहा गो वेंट गॉन ये एक्शन वर्ब है ठीक है एक्शन वर्ड बोल सकते हो आप तो जो मेन वर्ब्स होते हैं वो एक्चुअली एक्शन वर्ड होते हैं राइट right? अब अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस यहां पे लिखूं आपके लिए सपोज सेंटेंस इज ही इज ही इज हैप्पी ही इज हैप्पी सेकेंड सेंटेंस इज ही इज लीडिंग ही इज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट लेट्स से

अब आप यहां पे अगर देखें तो ही इज हैप्पी के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जाएगा इसको हम कह देते हैं स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब ये इसका नाम है क्योंकि ये एक्चुअली ही का स्टेट बताने में आपको मदद कर रहा है वह खुश है ही इज हैप्पी इस बात की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है वो इज देने में हेल्प कर रहा है तो इज के बाद कोई मेन वर्ब जब नहीं है तब हम इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द बींग ही दैट इन वट काइंड ऑफ कंडीशन ही इज बट इफ यू लुक एट द सेकेंड सेंटेंस वॉट यू फाइंड ओवर हियर लीडिंग इज द मेन वर्ब आउट हियर ये मेन वर्ब है और इज उसके पहले आकर के हेल्प कर रहा है तब हम इसे क्या कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और किस में हेल्प कर रहा है ये हेल्पिंग वर्ब किस चीज में हेल्प कर रहा है पहले आकर के टेंस को डिसाइड करने में टेंस को डिसाइड करने में क्योंकि अगर इसी इस की जगह पे हमने वॉज लगा दिया प्रोजेक्ट तो यहां पर टेंस बदल जाएगा मेन वर्ब इज स्टिल द सेम दैट इज लीडिंग ओनली बट द चेंज इन हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली डिसाइड्स द टेंस राइट कि वो किस टेंस में आप स्विच कर गए हो तो ये फंक्शन है तो अब आपको बात समझ में आ गई कि एक्शन वर्ड तो हम किसी भी मेन वर्ब को एक्शन वर्ड बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की जब आप बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ जाता है बी फॉर्म का वर्ब बी का मतलब होना होता है और इसके अंदर कौन कौन से वर्ब हैं हमारे पास इज है इज एम आर वाज वर ये बी से ही निकलते हैं और थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन तो ये हमारे पास जो है ये क्या है दे विल बी कॉल्ड ये कहे जाते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें आप क्या कहोगे ये कहे जाएंगे स्टेटिव वर्ब जब इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है इस बात का आप ध्यान रखेंगे इनको आप हेल्पिंग वर्ब तब कह सकते हैं जब इनके बाद कोई मेन वर्ब हो तो एक क्लैरिटी आपको यहां पे मिल गई अभी हम बिल्कुल डेफिनेशनल फंक्शन पे बात कर रहे हैं और जब वर्ब ऑफ पोजिशन की बात होती है नाम से ही पता लग रहा है जो रखने की बात आपको बताए तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है यहां पे आ जाता है मार्कर के कलर चेंज करने पड़ेंगे बार बार हा? सो की कंफ्यूजन आपको ना हो देखिए हैज या हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई पोजिशन के लिए हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है अब यहां पे कंफ्यूजन और आती है इन वर्ब्स के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब होने की क्वालिटी होती है और सबको पता है कि अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट बचपन से आप पढ़ रहे हो हैज एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट की लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ वर्ब ऑफ पजिशन का भी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं कि आई हैव आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव I have a comprehensive book on astrophysics. Let's say, I have a comprehensive book on astrophysics. So, what kind of role this have is playing over here? Can we call this verb helping verb? Definitely not, because इसके बाद कोई main verb नहीं है। तो यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है? यहाँ पे ये काम कर रहा है verb of position का यानी किसी चीज के रखने के लिए उसकी मालिकियत के लिए आपके पास वो चीज है आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे पास एस्ट्रोफिजिक्स पे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है बट इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा और लिखें आई हैव आई हैव बॉट आई हैव बॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक आई हैव बॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन एस्ट्रोफिजिक्स लिस्ट से राइट right. सो so, यहां पे अगर मैं अब आपसे पूछूं ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ हैव हैव नाउ दिस विल बी कॉल्ड हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब बिकॉज अगेन इट इज आउट द मेन वर्ब बॉट ओवर हियर जो कि थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस हो गया तो अब आपको डेफिनेशनल लेवल पे एक बेसिक क्लैरिटी आ गई है कि जब हम कहते हैं कि वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन वर्ड या क्रिया का शब्द जो भी हो वर्ब है तो अब हैज और हैब में यहां कोई क्रिया एट सच नहीं हो रही ये किसी चीज को पजेस करने के लिए इस्तेमाल होता है राइट सो इसीलिए हम इसको अलग कैटेगरी में हमने इसे रख दिया और साथ ही साथ जब हम स्टेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं लेकिन साथ साथ वो किसी का स्टेट बताने में भी आपको मदद करते हैं तो वो अकेले स्टेटिव वर्ब कहे जाएंगे या लिंकिंग वर्ब्स दोनों नाम कई बार इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाता है इज एम आर की जब हम बात कर रहे थे राइट तो ये अकेले में

कई बार ऐसी कंफ्यूजन आपको होती है और आप उसके बारे में बात नहीं कर पाते सपोज जब आप किसी से मुलाकात करते हो और कोई आपसे हालचाल पूछता है क्या पूछता है वो हाउ आर यू अब अगेन अगर यहां पूछा जाए आर किस तरह का वर्ब है तो मुझे नहीं लगता कि बताने में कोई दिक्कत होगी या कोई कंफ्यूजन होगी आपको आप कोई रटा हुआ ज्ञान याद करने की कोशिश करोगे दैट इज स्टेटिव वर्ब दैट इज स्टेटिव वर्ब बट व्हेन समवन आस्क यू लाइक दिस हाउ हैव यू बीन

सपोज uh, कोई न्यू कमर की बात कर लें या चलो ऐसे ही ले लेते हैं मान ली मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे आयुष्मान आयुष्मान इज अ गुड एक्टर राइट आयुष्मान इज अ गुड एक्टर एंड फिर मैं लिखूं अमिताभ बच्चन हैज बीन अ गुड आक्टर वी हैव टू सेंटेंसेज व्हाट्स द डिफरेंस ऑवर हेयर व्हाट्स द डिफरेंस ऑवर हेयर अब अगर आपने वर्ब और टेंस की चीजों को रटा है तो मन में कई बार ये सवाल पैदा होता है कि यार बचपन में तो हमने पढ़ा थाज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लग रहा होता है वो दो घंटे से पढ़ रहा हैजीन स्टडिंग फॉर द लास्ट टू आवर्स ए वो मॉर्निंग से गाना गा रही है शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग यहाँ पे ये यह कौन सी अंग्रेजी है जहाँ पे आप बीन के बाद कोई मेन वर्ब नहीं देख रहे तो ये क्लैरिटी आपको रखनी है कि हम इज एम आर वॉज वर्क का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं स्टेटिव वर्ब के तौर पे हैज बीन और बीन का भी इस्तेमाल अगर इसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है Has been के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है ये दोनों के दोनों स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहे जाएंगे और जब भी आप किसी भी नाउन का प्रोनाउन का स्टेट बता रहे हैं तो वो बताने का कौन काम करता है वो एडजेक्टिव करता है एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट कि एडजेक्टिव का, का काम क्या है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना इसीलिए स्टेटिव वर्ब्स को हमेशा डिस्क्राइब कौन करता है एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं तो ये इसीलिए आप यहां देख रहे हैं गुड गुड आगे लिखा हुआ है इनके बारे में बात हो रही है इनकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं अब दोनों में फर्क क्या है फर्क यह है कि जब भी आप हैजबीन का इस्तेमाल करते हो तो हैजबीन का इस्तेमाल कहां होता है वैसे अगर मैं पूछूं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वेरिएंट में टेंस के नाम ही देखो बता क्या रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मींस व्हाट सम पार्ट ऑफ द टास्क इज डन इज परफेक्ट बट द टास्क इज स्टिल कॉन्टिन्यूड वो काम का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है लेकिन काम अभी भी चल रहा है इसका मतलब काम एक ड्यूरेशन के लिए है तो जब भी आप किसी का स्टेट एक ड्यूरेशन के लिए बताते हैं तो वहां है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे वहां पे ठीक है तो अमिताभ बच्चन हैज बीन एक्टिंग अब देखो मैंने क्या बोला अमिताभ बच्चन बीन एक्टिंग फॉर ओवर फाइव डेकेट राइट पांच दशक से भी ज्यादा हो गए पचास साल से ऊपर हो गया तो वहां पे एक ड्यूरेशन की तरफ इशारा है तो जब हम इज का या आर का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज मोर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट उस मोमेंट का हाल चाल है जैसे जब आप किसी को पूछते हो हाउ आर यू डेली बेसिस पे आप ऑफिस जाते हैं मिलते हैं किसी को एक नॉर्मल कर्ट सी है हाउ आर यू ये पूछ लेते हैं क्या हाल चाल सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट बट सपोज अब वही बात कि कोई आपका जान पहचान का कोई कजन भाई दोस्त देश के बाहर रहा छह महीने एक साल दो साल और उसके बाद वो घर वापसी कर रहा है देश में वापस आ रहा है आपसे मुलाकात हो रही है तब सही तरीका उसका हालचाल पूछने का क्या होगा ये जो नीचे वाला सेंटेंस है हाउ हैव यू बीन बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द हाल चाल आप दो टू ईर्स या छह महीनों की बात कर रहे हैं दो साल की बात कर रहे हैं तो यहां पे फोकस जो है आपका वो अब किसके ऊपर है वो ड्यूरेशन के ऊपर है ये कारण होता है इस तरह से जब सवाल पूछे जाते हैं आप देखो जैसे आप आ, किसी होटल में मान लीजिए स्टे करके निकल रहे हैं और आपने कहा तीन दिन का स्टे रहा चार दिन का स्टे उस होटल में रहा जब आप चेकआउट कर रहे होते हो आ, तो होटल मैनेजर हाउ उन्होंने क्या पूछा उन्होंने आपसे पूछा हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस राइट अब आप इस सवाल का जवाब कैसे दे रहे होते हैं हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस आप बोलते हैं इट्स बीन इट्स बीन ग्रेट इट्स बीन ग्रेट अब अगेन वही वाली बात कि हम ऐसे अंग्रेजी बोलते सुनते तो हैं बट कई बार ग्रामेटिकली हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कैसे हो गया यू नो बीन के बाद तो वर्ब लग रहा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगेन द होटल मैनेजर इज आस्किंग अबाउट योर एक्सपीरियंस फॉर दो थ्री डेज वो इंटरेस्टेड है उस ड्यूरेशन में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कैसा हाल रहा ये जानने के लिए तो इसीलिए उसने हाउ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ये पूछने के बजाय हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ये पूछा वहां पे राइट right? सो so, आपने क्या कहा इट्स बीन ग्रेट आप इसको ओपन करेंगे तो इट्स इसमें क्या छुपा हुआ है अगर मैं मान लो आपको च्वाइस दे दू कि इसमें इज लिखा हुआ है या हैज लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है आपको पता है कि भाई अब आगे बीन लिखा हुआ है तो इस अपॉस्ट्रॉफी इसमें हैज ही छुपा होगा इज नहीं होगा सो इट हैज बीन ग्रेट और अगेन आप देखें हैज बीन के बाद आप क्या लगा देखेंगे दिस इज एडजेक्टिव सो स्टेटिव वर्ब्स आर ऑलवेज मॉडिफाइड और डिस्क्राइब बाई एडजेक्टिव तो आई थिंक दिस वेरी सिंपल कंफ्यूजन वो अब आपका दूर हो चुका होगा ये सर नो बात क्लियर हो गई अब कोई हालचाल पूछे आपको किसी का हालचाल पूछना हो तो ये समझ में आ गया कि स्टेटिव वर्ब होता है इसमें कोई स्पोकन इंग्लिश की चीजें रटने की जरूरत नहीं है देखो इफ योर फंडामेंटल्स ऑफ ऑफ स्पीच ग्रामर इज क्लियर वॉट एवर फीलिंग यू हैव इन योर मदर लैंग्वेज मदर टंग आप आसानी से उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली बट जानना बड़ा जरूरी है चलिए जी तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की तो अगेन दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स जो है वो कई आधार पर करते हैं ऑन मल्टीपल बेसिस जैसे एक पहला सबसे पहला मैं आपको मौखिक बता देता हूं फिर हम सीधा आ जाएंगे वहां पर जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है तो ज्ञान के लिए जैसे एक क्लासिफिकेशन है रेगुलर वर्ब एंड इेगुलर वर्ब किसे कहते हैं भाई मैं लिख भी देता हूं फटाफट जब ज्ञान ले ही रहे हैं तो ले ही लेते हैं देखो रेगुलर वर्ब ये जो क्लासिफिकेशन है उन वर्ब्स को हम कहते हैं जहां पे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनता है लाइक यू हैव प्ले प्लेड प्लेड राइट फॉर दैट मैटर यू हैव वॉक वॉकड वॉकड तो ये आपको क्या दिख रहा है इन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब जिनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म वर्ब के ईडी लगा के बन जाए फर्स्ट फॉर्म में दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स अब अगर हम बात करें इरेग्युलर वर्ब्स की राइट दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिस इज मोर ऑफ अ गन थिंग इट हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली विद योर पेपर्स बट ज्ञान ले रहे हैं तो ले लेते हैं में वी पहला क्या है जिसमें तीनों के तीनों फॉर्म सेम होते हैं जैसे आपके पास है अगला इसमें वेरियंट आता है जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं जैसे गो वेंट गॉन राइट रोट रिटर्न जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सो ऑल द्री फॉर्म्स आर डिफरेंट ऑल द्री फॉर्म्स आर सेम एंड नाउ दर्ड टाइप इज वॉट वेर द लेटर टू आर सेम For example, buy, then you have bought, bought and bought, right? So yahan pe आप क्या देखते हैं कि बाद वाले दोनों यानी second and third form same होते हैं but उनको हम ed laga ke नहीं लिखते right? So ये क्या हो गया ये तीन variants हो गए irregular के तो आपको क्लियर है रेगुलर verbs जिसमें uh, second एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बने एंड इन irregular वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स

अब हम इसमें भी ये देखेंगे कि हमारे लिए एग्जाम्स में इनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो आज की क्लास में मैं फोकस करूंगा जितना टाइम है हमारे पास हो सकता है नेक्स्ट सेशन में भी चला जाए आज हम मेन वर्ब की पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेन वर्ब एज फार एज योर कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम्स आर कंसर्न सो ये इनका क्या रोल है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखिए जब हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो वी हैवी वन V2, V3, V1 plus ing and verb की first form में SCS लगाना इतने तरीके से हम main verbs को use करते हैं अब helping verbs हम आगे discuss करेंगे अभी क्योंकि लिख दिया है मैंने तो मैं बता यहां पर बस introduction कर देता हूं एक हमारे पास आ जाता है primary helping verbs या primary auxiliary verbs भी बोलते हैं एवी लिख देता हूं और दूसरी कैटेगरी होती है मॉडल्स की सो वी विल डिस्कस दीज हेल्पिंग वर्ब्स या उनकी जो क्लासिफिकेशन है फर्दर कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उनका क्या रोल है मॉडल्स भी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे इनसे अलग हैं फिर मॉडल्स में भी है पार्शियल मॉडल्स हमारे पास केसेज आ जाते हैं यूज्ड टू के डेयर के नीड के वो मॉडल होने के साथ कुछ और रोल निभाते हैं कब निभाते हैं कैसे निभाते हैं तो ये सारी बातें अगले चरण में होंगी इन टूडे सेशन नाउ वी आर एप्सोल्यूटली कंफर्टेबल इन स्टार्टिंग विद मेन वर्ब्स डिस्कशन तो आइए सीधा मैं आपसे ज्ञान लेता हूं भाई वो V1 का इस्तेमाल हम पे करते हैं कौन से टेंस में करते हैं मैंने वही कहा किसके साथ यूज करते हैं हम जी कहां पर यूज हो रहा होता है, हो है। आई हो के साथ वी के साथ दे के साथ और यू के साथ अगर हम प्रोनाउन की बात करें और अगर नाउन की बात करें तो जो भी आपका नाउन प्लूरल होगा उसके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होंगे सो दिस इज द यूसेस पार्ट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट आई वी दे यू इनके साथ आप यूज करते हो फिर वी टू कहा यूज करते हैं वी टू का इस्तेमाल सिर्फ एक टेंस में एक टेंस में होता है दैट इज पास डेफिनेट सो यू डू नो वॉट एवर द सब्जेक्ट इज यू विल ऑलवेज गो विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट एंड डेफिनेट राइट इर रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट हो नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो या कोई भी प्रोन हो सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट डेफिनेट में हमेशा सेकेंड फॉर्म लगती है और ये टेंस है आपका सेकेंड फॉर्म के लिए आप बात करें अगर थर्ड फॉर्म की ये कहां पर यूज करते हैं हम थर्ड फॉर्म परफेक्ट जो वेरियंट है यानी परफेक्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों ही टेंस के परफेक्ट वेरिएंट में आप यूज कर रहे होते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है सभी ने पढ़ा होगा इसका इस्तेमाल हम करते हैं और पैसे वॉयस के अंदर यू राइट एनी सेंटेंस इन पैसे वॉयस वॉट एवर द टेंस इज द मेन वो विल ऑलवेज बी रिटर्न इन थर्ड फॉर्म राइट ही राइट अ ब्लॉग अ ब्लॉग इज रिटर्न इज रिटर्न आप देख रहे हो दैट इज थर्ड फॉर्म He wrote a blog a blog. अ ब्लॉग वॉज रिटर्न बाय हिम तो कोई भी टेंस का एग्जाम्पल आप लेंगे uh, he will write a blog. A blog will be written by him. So whatever the tense is, present, past, future, कोई भी variant हो उसका पैसे voice में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो so, वो बहुत क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि क्या यूसेज हैं हमारे मेन वर्ब के वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे और यहां क्या नजर आएगा आपको V1 राइट ये बहुत इंटरेस्टिंग एंटिटी है V1 प्लस आई एन जी और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है बिकॉज ये मल्टीपल रोल्स में इस्तेमाल होती है अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा करके आप नाउन का रोल भी निभा रहे होते हैं जिसे हम जिरंड कहते हैं जब आप कहते हो कि स्विमिंग इज माई हॉबी इन दैट प्लेस स्विमिंग दैट इज जिरंड इज एक्टिंग एज नाउन बिकॉज दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इफ यू से आई लाइक स्विमिंग Here, like is the main verb. Swimming is not the verb. Swimming is ziran and that is acting as an object of the main verb like. If someone asks you, "What do you like?", then the answer is, "I like swimming." So, V1 plus ing is acting as a noun as well. Jab he is swimming. Waha main verb hai. Or V1 plus ing can act as an adjective as well, and we have multiple examples daily basis pe use Breaking news, breaking. This what that is adjective, right? बर्निंग ट्रेन जलती हुई ट्रेन हैंगिंग गार्डन दिस इज वॉट हर जगह पर वी एन प्लस आई एनजी आप सिंपली कहें देट वॉज एन एक्साइटिंग मूवी दैट वॉज ए बोरिंग क्लास यू नो सो एक्साइटिंग बोरिंग दिस इज वॉट दिस इज नथिंग बट दी एन प्लस आई एन जी बट दैट डिसाइड की भाई उसका रोल किस तरीके का है? उसकी पोजिशनिंग डिसाइड करता है तो एनी anyway, वे हम यहां पर अभी वॉब की बात कर रहे हैं हम जिरण और उधर एडजेक्टिव में नहीं जा रहे तो वर्ब के तौर पे ये यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर ये नो आपको पता है कॉन्टिन्यूस एंड कहां कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यस कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ ऑल द थ्री ऑलिस चाहे प्रेजेंट है पास्ट है या फ्यूचर है आप किसी भी टेंस में अगर जा रहे हैं तो वो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं वी वन प्लस आई एन जी का ही ठीक है वो लिख रहा है ही इज राइटिंग अ ब्लॉग ही वॉज राइटिंग अ ब्लॉग ही विल बी राइटिंग अ ब्लॉग

जो बचे हुए हैं आपके पास थर्ड पर्सन में ही है शी है इट है या कोई नाउन जो कि सिंगुलर हो सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब में एस सी एस लगाते हो सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल द मेन वर्ब्स इन जनरल बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन और यूसेज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टफ इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स राइट चलिए जी अब देखते ही तो ज्ञान की बात हो गई जस्ट एक ब्रशअप हो गया नाउ वी विल लुक एट दो हमें होती है कंफ्यूजन सो लेट मी गिव यू कपल ऑफ ओवर हियर एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ चैलेंज वी फेस इन एग्जामिनेशन पहला सेंटेंस है जैसे मैं यहां पे अगर ये सेंटेंस लिखूं कि शी हैज प्रूव्ड Oblic proven, she has proved or proven this concept, right? And now you have A and B in choice. Which particular word will you go with? Proved or proven? What do you say? What is the doubt, Siddharth, you have? सिद्धार्थ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इफिटिव एंड जिरण एट दिस मोमेंट इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस दोंग्स वी विल बी डिटेड फ्रॉम वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग एज ऑफ नाव सो वी विल डेफिनेटली टैकल दैट आगे बढ़ने दो तो थोड़ी सी क्लास हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ डिटेल मैनर डोंट वरी अभी क्योंकि आपको पता न क्लास पूरी चल रही है तो डिविएशन हो जाएगा पूरा का पूरा Uh, यहां पे किसके साथ जा रहे हैं आप ए और बी जब आप डेफिनेटली मिक्सड आते हैं कई बार तो यहां पे शी हैज प्रूफ दिस कॉन्सेप्ट बट अगर वहीं पे सेंटेंस लिखा जाए कि दिस इज ऑब्लिक प्रूवन और फिर यहां पे शब्द में लिखूं फैक्ट तो अब आपको किसके साथ जाना होगा अब आपको जाना होगा प्रूव इन फैक्ट

क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि वर्ब में आईएनजी लगा के हम बेधड़क एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं हाँ या ना हाँ या ना करते हैं या नहीं करते हैं जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखूं कि यू नो ही हैज वेरीफाइड योर डिटेल्स Right? He has verified your details and he has a he has a verified profile on social media. That's over blue took. Now look at these two sentences. What do you find over here?

It is 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 adjective Adjective and and again same story. Adjective plus noun 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 phrase phrase. article is placed before a So So we use the verified profile. So what you find over here, बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ब हैं जिनकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के तौर पे भी करते हैं और उसी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं वी हैव लॉट ऑफ वर्ब्स राइट जहां पे हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो सेम स्पेलिंग के साथ मेन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तौर तो पे करते हैं कैन यू गिव मी कपल ऑफ एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन विथ सम मोर वर्ब्स जैसे आप देखो अगर ये कहा जाए कि अगर किसी ने ये कहा आपको कि यू हैव ब्रोकन माय हार्ट यू हैव ब्रोकन माय हार्ट तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है राइट एंड ही हैज द ब्रोकन हार्ट He has a broken heart in his body. <laughs> what you find over here? Broken is MV, that is main verb, and have is helping verb over here. But in the second sentence, now the broken is being used as an adjective because heart is noun, and again the same story adjective plus noun is noun phrase, and article is placed before that. And the second sentence, this has is is acting acting as as in in what? It verb verb of एंड द सेकेंड सेंटेंस एक्टिंग काम कर रहा है, वही जो हमने अभी सीखा है। यहां लगा हुआ है पास है उसके शरीर में है एक टूटा हुआ दिल टूटा हुआ दिल और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है वहां पे वही broken है राइट इसी तरीके से अगर आप यूज uh His answer his answer has confused me. His answer has confused me, right? And he is a confused person. He is a confused person. What do you find over here? Again, your ans his answer has confused me. His answer is noun phrase subject.

बट जैसे मैंने कहा कि हमें एक्सेप्शन का ध्यान रखना है हमें उन वर्ब्स को जानने की जरूरत है जिनमें थर्ड फॉर्म वर्ब के लिए अलग शब्द है और एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द है तो एक तो ये एरिया है जहां पे हमें किया जाएगा कंफ्यूज राइट आइए जरा कुछ वर्ड्स लिखने की यहां पे कोशिश करते हैं

फ्यूजिंग वो पेयर्स राइट ये हमारा अगला एरिया है मेन वोब में जहां हमें सवाल पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजिंग वो पेयर्स में क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके जरिए अब जैसे मान लो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा इस तरीके से शी वॉज बॉर्न बहुत बेसिक वर्ड है बॉर्न इन अ रिच फैमिली The little child was slewed, oblique, slain to death. महामना मदन मोहन मालवीय फाउंड आर फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी राइट सो अब यहां पे क्या देख रहे हो तीन एग्जाम्पल से वहां से बात आपको समझ में आ जाएगी कि कई बार ये वाले वर्ब्स हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम किसके साथ जाएं क्या यूज करना है यहां पे ठीक है तो कमेंट में आप लिख रहे हैं खुशी उसको अपडेट करना पड़ेगा जब आप ऐप खोलेंगे ना तो वहां पे अपडेट का ऑप्शन आएगा उस पर अपडेट करोगे तो फिर से दोबारा आपको सारी क्लासेस दिखाई देंगी करियर ऐप पे ठीक है अदरवाइज वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना वो अपडेट अपने आप दिख जाता है आप ऐप खोलोगे अपडेट पे जाओगे तो फिर आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे अब देखो यहां पे पहले वाले में भी आपको पता है यहां पे हम बॉर्न के साथ जाने वाले हैं इसमें कुछ है क्लैरिटी आपको <laughs> तो ये मिलते जुलते ये कंफ्यूजिंग वो पेयर थे जो हमें परेशान करते हैं मेन वर्ब के तौर पर यहां हम फाउंडेड के साथ जाएंगे और यहां स्लेन टू डेथ के साथ जाएंगे ठीक है अब मैं अगर बात करूं कौन से ये वो पेयर्स थे तो देखो आप बियर वोब की फर्स्ट फॉर्म है बियर बोर बोर्न ठीक है और अगेन बियर बोर बोर्न और जो दूसरा वाला है वहां पे एन के बाद एक, एक एक्स्ट्रा ई लग जाएगा तो जो पहला बियर है वो किसके लिए वो पैदाइश के लिए वो जन्म के लिए है सेकेंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न लेकिन जहां एक्स्ट्रा ई आपको दिख रहा है यहां पर बियर का मतलब क्या होता है यहां पे मतलब हो जाता है बर्दाश्त करना झेलना ढोना सहना जैसे किसी को अगर यू नो अनबेरेबल पेन हो रहा है अनबेरेबल यानी जिसको वो बेर नहीं कर सकता जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जब ढोने सहने और बर्दाश्त करने का सेंस है उस सेंटेंस में देन आप बीओ आर एन ई के साथ जाओगे जब वहां थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो, तो यहां पे आपको होती है कंफ्यूजन अगला जैसे मैंने केस दिया था आपको दैट इज वॉट स्ले slew, स्लेन बट स्ल्यू जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो second एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है स्ल्यूड एंड slewed, राइट slewed. Right. तो स्ले का मतलब होता है किसी की गला रेतकर हत्या करना स्लेन टू डेथ जैसे किसी की गला रेत कर हत्या कर दी गई स्लेन टू डेथ ये एक्सप्रेशन यूज होता है लेकिन अब आप देखो स्ल्यू वर्ब की second फॉर्म है इसके लिए वही स्ल्यू यहां फर्स्ट फॉर्म हो गई तो ये, जब स्ल्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब इसका मतलब होता है सडन और वायलेंट टर्न ऑफ अ व्हीकल जैसे आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अचानक कोई पत्थर आ जाए कोई जानवर आ जाए सामने और आपकी गाड़ी को आपको अचानक से टर्न करना पड़े सडन एंड वायलेंट टर्न है चू चा की आवाज आ रही टायरों से तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप स्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं तीसरा मैंने कहां से दिया था भाई देखो फाइंड का मतलब क्या होता है पाना तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है फाउंड एंड फाउंड

ऐसा नहीं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहीं खो गई थी और महामना जी ने उसको पा लिया सो दि दिस इज द सेकेंड एरिया जहां पे वो आपको सवाल पूछ सकते हैं तो मेन वर्ब में ये दोनों एरिया जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और अगले सेशन में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं यहां से आपको दूं कुछ क्वेश्चंस आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के जैसे आपके पास है सी सी सीन सभी को पता है फर्स्ट फॉर्म जब होती इसका मतलब लकड़ी को काटना या चीरना होता है एंड देख एंड थर्ड फॉर्म इज दौर पर देखा था तो यह आपके बस इंपॉर्टेंट वन है कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है फॉल का मतलब सभी को पता है फॉल फेल फॉल इन राइट लेकिन फेल जब वोब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है कि ये कौन सा वर्ड है तो फॉल का मतलब गिरना है और फेल का मतलब गिराना है जैसे कहा जाए ट्रीज वर फेल्ड यानी पेड़ों को काट के गिरा दिया गया राइट तो ये आपको ध्यान में रखना है इसी को हम क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स या जैसे आपके पास आ जाता है राइज रोज रिजन राइज रोज रिजन लेकिन वहीं पे जब रेज वब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रेज एंड रेज्ड हो जाता है अब मान लो कोई कह रोज का मतलब गुलाब होता है भाई गुलाब जब है वो नाउन है यहां ये सेकेंड फॉर्म है राइट और फिर आपके पास शब्द आ जाता है रेज 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 का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से तबाह कर देना नष्ट न कर देना तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं ट टू नोट इट डाउन यू कैन डू दैट कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं इस बीच में कॉमेंट सेक्शन के अंदर आगे भी नोट कर लेते हैं हो गया का नोट लाई ले लेन ये भी बहुत कंफ्यूज किया जाता है और लाई लाइड एंड तो जब हम एंड थर्ड फॉर्म लाइड यूज कर रहे होते हैं यहां झूठ बोलने का सेंस है जबकि यहां पे कहीं लेटने या बैठने का सेंस होता है और ले का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है लेड एंड लेड जब किसी और चीज को आप कहीं से उठा के कहीं और रखते हो तो वहां पे हम ले का इस्तेमाल करते हैं ले ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट राइट तो आप खुद भी देखो ले सेकेंड फॉर्म भी है लाई like का इंट्रांसिटिव वर्ब है ये और यहां पे ले फर्स्ट फॉर्म है तो अगेन इसका ध्यान रखना है जब नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंसेस करेंगे चलिए अगला है आपके पास ग्राइंड ग्राइंड का मतलब पीसना होता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ग्राउंड और वहीं ग्राउंड जब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है देन वी हैव सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लाइक ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड कई तरीकों से यह ग्राउंडेड इस्तेमाल होता है कोई क्रिमिनल uh, है वह भी ग्राउंडेड हो जाता है प्लेन ग्राउंडेड हो गया जमी दोज हो गया राइट right? uh, इसी तरीके से अभी हमने देखा था पाइंड uh, फाइंड uh, का ऑपोजिट उधर पाना था तो यहां पर खोना हो जाएगा और खोने के लिए एल ओ एसी लूज लॉस्ट लॉस्ट राइट एंड एल डबल ओ एस लूज एंड लूज्ड तो एक खोना है और दूसरा किसी चीज को लूज करना है ढीला करना है राइट right. इसी तरीके से आप देखो ये होमोग्राफ में ये एग्जांपल्स आते हैं जैसे वाइंड वाउंड एंड वाउंड होमोग्राफ जहां आप लिखते तो एक जैसे हो पर प्रोनाउंसिएशन अलग होती है

ये बिड ये भी बड़ा पूछा जाता है खासतौर से आपको ये बेयर इन्फिनेटिव केसेस में कई बार अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं यहां पे बिड बेड बिडन बिड बेड बिडन और दूसरे केस में बिड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं तो जब तीनों फॉर्म सेम है तो यहां पे मतलब है जैसे होता है ना बिडिंग प्रोसेस किसी चीज को अलाउ करना सॉरी अलाउ uh, करना ऊपर वाला है बिड बेड बिडन टू अलाउ समथिंग और नीचे वाला जो है वो बिडिंग प्रोसेस है बोली लगाना जैसे अभी आपने आईपीएल में बिडिंग देखी राइट right? सो so, जब बेड और बिडन है है तब सेंस होता टू टू अलाउ सो रीड आउट द द सेंटेंस ट्राई गेट कॉन्टेक्स्ट एंड ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड और कौन सा रह गया हमारे पास इंपॉर्टेंट वन फ्लाई है जैसे हैंग है हां जी ये सारे अब हैंग देखो आप तो हैंग hang, हैंड और हैंग्ड होता है कब जब कहीं भी फांसी लगाने की बात होती है कहीं लटक करके किसी ने फांसी लगा ली ही हैंग्ड हिमसेल्फ सुसाइड के सेंस में लेकिन वैसे कोई चीज आपने अगर कहीं पे लटका रखी है टांग रखी है तब आप क्या यूज करोगे तब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा हां जी बताएंगे आप तब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है ये बहुत कॉमनली लोग गलत करते हैं इसे कई बार हंग होता है बिल्कुल ये हंग होता है, हैंग हंग हंग तो ध्यान रखिए कहीं पे कोई बैनर आपने लटकाया हुआ है कोई कैलेंडर है तो वहां पे आप हंग का इस्तेमाल करोगे हैंग्ड का यूज वहां पे आप नहीं करोगे ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं जैसे फ्लाई भी कई बार फ्लाई फ्लू फ्लोन फ्लो फ्लोट फ्लोट ये ध्यान में आपको रखना होता है एक उठना है दूसरा बहना है और अब बात कर लेते हैं जो दूसरा एरिया हमने देखा था अभी कंफ्यूजिंग जो जहाँ पे थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द हैं उन्हें भी नोट कर लीजिए जैसे पहला हमने इस तरह से कॉलम बना लेते हैं वी वन वी टू वी थ्री एंड एडजेक्टिव के लिए ठीक है एग्जाम्पल लिख लो आप सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि भाई प्रूफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म प्रूव्ड हो गया एंड इफ यू नीड एन एडजेक्टिव तो वहां पर आप प्रूफ यूज नहीं कर सकते वहां पर हमारे पास शब्द आ जाता है प्रूव इन इसी तरीके से मेल्ट है एंड right? इधर क्या आ जाएगा मोल्टन मोल्टन लावा जैसे आप पढ़ते सुनते हो राइट right? uh, उसी तरीके से अभी जैसे हमने देखा सो वाला एग्जाम्पल की सौ ड और सॉर्ड था ये लकड़ी काटने या चीरने के लिए है लेकिन मान लीजिए लकड़ी काट के चीर के आपने किनारे रखा हुआ है सो so वहां बी यूजिंग सॉन सो सॉन विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव राइट सो वो आपको वहां पे देखना होगा इसी तरीके से लर्न में बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं लर्नट और लर्नेड तो ये बात ध्यान में रखिए कि लर्नट लर्नट जो है दिस इज वर्ड दिस इज वर्ब ये वर्ब के फॉर्म है और अगर आपको बताना कोई बड़ा विद्वान इंसान है तो लर्निड मैन वहां पे हम यूज करेंगे राइट ही इज अ मैन मैन नहीं ऐसा ना हो कि आप वर्ब के लिए लर्नेड लगाओ और एडजेक्टिव के लिए आप लर्न लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है Think. ये कंफ्यूजिंग वर्ब में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिविंग नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट तो सिंक एंड संक ये तो वॉब के फॉर्म हो गए लेकिन डूबी हुई नाव है कहीं तो वहां पे संकिन बोट हो जाती है राइट संकिन सो इसका ध्यान में रखना है आपको अगर एडजेक्टिव के तौर पे चाहिए विल बी यूजिंग right, इसी तरीके से शेव है जो तो भाई शेव जानते ही हो क्या होता है शेविंग करना तो शेव्ड एंड शेव्ड ये एडजेक्टिव हो गया आ, ये वोब हो गया और वहीं पे शेवन फेस यानी शेव किया हुआ फेस तो एडजेक्टिव के लिए आप यहां पे शेवन का इस्तेमाल करोगे ठीक है इसी तरीके से लोड जो शब्द है कई बार सुना होगा आपने लोड लोडेड लोडेड और एडजेक्टिव के तौर पे आपके पास आ जाता है लेडन लेडन ट्रक लदा हुआ अब लोडेड भी इस्तेमाल हो जाता है एडजेक्टिव के लिए और लेडेन भी उसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन में आप भी ढूंढ के आइएगा कि भाई ये कहां यूज होता है कैसे यूज होता है कुछ और केसेस देख लेते हैं ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक drunken ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रंक इन सो अगर एड्जेक्टिव के लिए आपको चाहिए स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक एंड स्ट्रिकन राइट जैसे ग्रीफ स्ट्रिकन फैमिली स्ट्राइक स्ट्रिकेन शेयर बड़ा प्यारा शब्द है ये भी शेयर कंफ्यूजिंग वर्ड में भी आता है एस एच डबल ई आर शेयर इज वजह से हम कहते हैं दिस इज बट द शेयर स्टूपिडिटी ये कुछ और नहीं निरा बेवकूफी है दैट इज एस एच डबल ई आर दैट इज अटरली आर कंप्लीटली एंड हियर द शेयर इज वॉट इट्स वर्ब जैसे जब भेड़ की खाल से आप वूल उतारते हैं दैट इज कॉल्ड शेयरिंग सो यहां पे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आपका शियर्ड हो जाता है एंड यहां पे शॉर्न शीप अब मान लीजिए आपने उस भेड़ की खाल से वूल निकाल लिया है अब उस भेड़ को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए एडजेक्टिव आप शॉर्न का इस्तेमाल करोगे आ, इसी तरी, तरीके से मान लीजिए कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है धुलने के बाद वो सिकुड़ गया तो श्रिंक श्रैंक एंड श्रंक बट ओवर हियर इट इज

पाथ इज नाउन एंड ट्रॉडन इज वॉट एडजेक्टिव यानी वो रास्ता बहुत सारे लोग न चले होंगे so ध्यान में रखना है राइट right? तो ये एडजेक्टिव के तौर पर अलग शब्द हमारे पास आ जाते हैं इवन जैसे फॉर गॉटेन हीरो सीरीज एज वेल तो फॉरगॉटन का इस्तेमाल भी आप एड्जेक्टिव के तौर पर कर लेते हो सो दीज आर दू एरिया फ्रॉम मेन वर्ब सेक्शन जहां से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है देखो यू नीड टू पुट यूर सेल्फ इन देड एग्जामिनर इफ यू डू नो चैप्टर इन इट्स इट्सिटी दट आर द एरिया कंफ्यूजन पॉसिबल है कंफ्यूजन पॉसिबल वाला ये एरिया है मतलब जहां पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं सही वो फॉर्म नहीं चूज कर रहे गाड़ी तुक्के पे चल रही उनको लगता कहीं देखा तो है इसका क्या मतलब है तो मैं सीधा वहीं पे मैंने हिट किया है चलो बहुत अच्छे सो so, आज के सेशन में हम जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। देर आर सम्वेंटी क्वेश्चनस्टैंड कि वॉट एवर यू हैव लर्न इन द लास्ट क्लास उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे लाइव क्लास uh, में दिक्कत हो रही है आयुष क्या इस वाले बैच में दिक्कत है शैलेश बैच परचेस कर लिया है बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है चलिए एक बार आप कॉल करके पता कर ले वहां पे कोई दिक्कत नहीं अगर बैच परचेज है तो आपको क्लास दिख जाएगी देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एक्चुअली जितने लोगों को भी ऐप में दिक्कत अभी आ रही है आपकी जानकारी के लिए ऐप जो है वो अपडेट हुआ है तो आप जाकर के एक बार से फिर उसको अपडेट कर लेंगे सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ चलेंगी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप दोबारा से एक बार लॉग कर लीजिए एवरीथिंग इज स्मूथ ऐप अभी अपडेट हुई है तो वो शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो ठीक है तो क्लास के बाद ये काम आप कर लेना है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकी तो मैं बैठा ही हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है वैसे भी टीम से भी कॉल करके चीजें हो जाएंगी बट मैं आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं दू तो वही वही दिक्कत आ रही है आप ऐप एक बार अपडेट कर लीजिएगा नो प्रॉब्लम एट ऑल फिर वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी चलिए सो विदाउट फर्दर अडू टॉपिक पे आते हैं तो पिछली क्लास में हमने वॉप को स्टार्ट किया था और सबसे पहला जो सेक्शन था हमारा वो था मेन वॉप का एरिया

down anywhere but my dog is much more picky yes now you have four choices to choose from आप मुझे बताएं ये confusing वर्ब pairs किस word के साथ आप जा रहे हैं यहां पे कोई बात नहीं मैं अभी प्रॉब्लम्स देख लूंगा बाद में क्लास के बाद ये लाइव सेशन है इसके बाद देख लेंगे डोंट वरी कोई बात नहीं शैलेष अन्य आकांक्षा रियल कॉन्सेप्ट जिसको भी दिक्कत है देख लेंगे मैं एक बार अभी टीम से बात कर लूंगा क्लास के बाद आपको वैसे मैंने बता दिया है कि एक बार आप ऐप को अपडेट कर लें कहीं कोई इशू नहीं आएगा चले जी ठीक है रियल कॉन्सेप्ट डोंट वरी यहां बताओ मुझे किसके साथ जा रहे हो आप और ठीक ठीक बताना मतलब अपनी भी इज्जत आपके हाथ में है यहां कॉमेंट में <laughs> बेसिक चीजें हैं ये माई कैट विल डाउन एनी वेयर क्या कहने की कोशिश है कि मेरी जो बिल्ली है ना वो कहीं भी बैठ जाती है लेकिन डॉग जो है वो मच मोर पिकी है यानी वो कहीं भी नहीं बैठता देखता है बैठने की जगह कैसी जैसे कुत्ते जहां बैठते हैं जगह साफ करके बैठते हैं तो अच्छी बात है तो बिल के साथ आप किसके साथ जाओगे पहले देखो बेसिक फंडे बिल्कुल विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा क्या लेके जाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब आप यहां पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कौन से दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे लेड और लेन तो तुरंत एलिमिनेट हो गए मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में सी भी आया हुआ है नेहा कैसे सी के पास पहुंच गए आप हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई देखो ये आपके दूसरे मार्कर से लिख देता हूं दूसरे कलर से कि लाई ले और लेन ये इस्तेमाल होता है और फिर ले, लेड और लेड ये हमारे करेक्ट वर्ब फॉर्म्स हैं लाई जो है वो इनट्रांजिटिव है यानी जब आप खुद को किसी को लिटाते बिठाते हो तो वहां ये इस्तेमाल करते हो और ये ट्रांजिटिव वर्ब है ले ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट कि आपने किस चीज को ले किया जैसे आप सुनते हैं मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन तो वहां पे लेड द फाउंडेशन फाउंडेशन स्टोन लेट का ऑब्जेक्ट है अब यहां पर खुद आप देख लो विल लगा है तो पहली बात तो लेड और लेन को हमने बाहर कर लिया ये थर्ड फॉर्म है अब ले और लाई के बीच में लड़ाई है राइट अब आप ये भी देख रहे हो कि ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म भी है और ले यहां पे भी है और लाई भी फर्स्ट फॉर्म है किसके साथ जाएं अब अब यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां बिठाने की बात नहीं और ये बिल्ली खुद कहीं बैठ रही है और खुद को कहीं बिठाने के लिए हम क्या यूज करते हैं लाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो यहां पर करेक्ट फॉर्म है ए भी इनकरेक्ट है माई कैट विल ले डाउन एनी वेयर लाई डाउन एनी वेयर वो कहीं भी बैठ जाती है but बैठ जाएगी बट डॉग जो है वो ज्यादा पिकी है वो कहीं भी नहीं बैठता जब कैट को कोई और कहीं से उठा कहीं बैठाएगा तो वहां पे आप ले का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ले का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है गॉडेट डोंट वरी राजवर्धन आपने कोर्स परचेज कर लिया है सक्सेसफुल आया है ऐसी दिक्कत नहीं आती इन जनरल हो सकता है ऐप अपडिशन की वजह से कुछ दिक्कत हो तो वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स आर ट्रिवियल इश्यूज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आप परेशान बिल्कुल मत हो मैं चाह रहा हूं क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो एक रेगुलरिटी बने वो तो वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट जी सो so, क्लियर हो गया आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बताओ जो सीखा है उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस दोनों हो रही हैं इन सेशन में फ्री सेशंस हैं ये इसका पूरा फायदा उठाएं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए या जनरल किसी भी एग्जाम के लिए बिकॉज ग्रामर इज नॉट गोइंग टू चेंज वॉट एवर एग्जामिनेशन यू आर राइटिंग आर गोइंग टू राइट ग्रामर विल नॉट चेंज फॉर एनी ऑफ एग्जाम्स द ओनली डिफरेंस इज वॉट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन दैट्स इट फंडामेंटल्स तो वही है क्वेश्चन कैसे भी पूछे हम अपने फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी लेते चलेंगे करेंगे करेंगे अब मुझे बताएं किसके साथ जा रहे हैं आप यहां ये यह बहुत कंफ्यूज करता है इसीलिए चूज किया है मैंने ये और lie पहले eliminate कर दो देखिए इंग्लिश में यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन

अब आप ले को अगर देखें ले ऑल हर कार्ड सेम कहानी यहां पे भी अप्लीकेबल है हाँ या ना अब यहां पे ऑल हर कार्ड ऑब्जेक्ट है यानी हमें चाहिए क्या हमें ले लेड और लेड ये वो फॉर्म्स यूज करनी है हा या ना क्योंकि ऑल हर कार्ड विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा नाउन फ्रिज पूरा का पूरा ये राइट तो अब आपको कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि क्या हम ले के साथ जा सकते हैं या हमें लेड के साथ जाना होगा भाई ले अगर आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट है प्रेजेंट इंडेफिनेट में शी के साथ वर्ब में एस एस लगना चाहिए जो यहां पे नहीं लगा हुआ है सो बी विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट दैट इज ए शी सर्टेनली लेड ऑल हर कार्ड ऑन द टेबल एट द मीटिंग गॉट इट चले वेरी गुड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी नो बडी दैट ट्री सो इट फेल ऑन द हाउस अब आपको बताया कंफ्यूजिंग वो पेयर हमारे पास क्या था दैट वॉज फॉल फेल फॉलन एंड फेल फेल्ड फेल्ड इनमें से हमें चूज करना है सही सिलेक्शन होना चाहिए आरो इन लास्ट बैंकिंग स्पेशल बैच वी टुक थ्री वीक्स टू कंप्लीट ग्रामर पोर्शन राइट सो दैट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट राइट कहां पर हो आप कहा अभी कहां एग्जिस्ट करते हो क्या लेवल है आपके ग्रामर का तो वो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपने पूछा कितना टाइम लगेगा ग्रामर में करेक्ट आंसर की कोशिश हाँ जी अब आप देखें यहां पे नो बडी दैट ट्री ट्री की बात हो रही तो पहले बात तो क्लियर हो गई खुद गिरने की बात यहाँ पे है नहीं खुद गिरने की बात नहीं है तो फेल्ड को आपने बाहर कर दिया फॉल्स को बाहर कर दिया नो बडी फेल दैट ट्री एंड फेल्ड दैट ट्री अगेन अगर आप लॉजिकली देख लें तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमें ये वाला वर्ब चाहिए और जाहिर तौर पर नो सिंगुलर है सिंगुलर के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है आपको खुद दिख रहा है कि सेंटेंस में अगला जो क्लॉज है वो पास टेंस में अगर मैं आपसे पूछूं ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है आया ना तो ये खुद इट फेल ऑन द हाउस यानी ये वाला फेल कौन सा फेल है ये वो आपकी सेकेंड फॉर्म है और यहां पर आपको चाहिए ये वाला फेल्ड कि कि किसी ने उस पेड़ को गिराया नहीं सो इट फेल ऑन द हाउस इसलिए ये घर पे गिर गया अब सिचुएशन को इस ऐसी इमेजिन करो आप जिस तरीके से कहीं पे बहुत तूफान आई है भारी बारिश you know, storms and all. अब उसकी वजह से पेड़ कई बार होता है कि पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो टूट करके थोड़ा सा गिर गया लेकिन अब क्या है कि अगर वो थोड़ा सा टूट के गिरा है तो हो सकता है कि वो पूरा गिर जाए अपने ही बोझ से घर पर गिर सकता है वायर्स पे गिर सकता है तूफानी बारिश में सब आपको देखने को मिलता है तो वही चीज लिखेगा अगर थोड़ा गिर गया तो उसे गिरा दिया जाना चाहिए था बट नोबडी फेल्ड दैट ट्री लेकिन किसी ने उस पेड़ को गिराया नहीं इसलिए वो पेड़ खुद घर पे गिर गया सो दैट्स द सेंस आउट हियर सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बाय रीडिंग द सेंटेंस और उसके आधार पे आप ये कंफ्यूजिंग वर्ब से बाहर निकल सकते हो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है The baby was so upset that I just beside her and patted her back. Yes. Don't worry, Ananya. I'll speak to the team after the class. I'll share the chat box to the team itself. Don't worry about that. अश्मित सपना राजा आंसर चेक भी करते चलो देखो अब ये पीछे हो चुका है तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए आपकी और देखिए बैंकिंग एक्सपेरियंट्स जो हैं आपकी रीडिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज द कंप्लीट पेपर इज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ पैराग्राफ एंड पैराग्राफ यू हैव इंग्लिश यूसेज बेस्ड क्वेश्चन लाइक पैराबल पैरा कंप्लीशन ऑड वन आउट यू हैव सेवन टू एट डिफरेंट ऑफ फिलर्स यू हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हैविंग मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स बेस्ड ऑन ग्रामर एंड इवन फिलर्स एज वेल तो आपका पूरा पेपर रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करता है और रीडिंग को बेहतर करने में ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको ये समझ में आए व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज हैपनिंग

एंड पैटेड हर बैग जैसे बच्चे को आप पैट करते हैं थोड़ा सा उसको पैसिफाई करने के लिए वो परेशान है रो रहा है तो अब आप खुद ही देख लें लाई ले और लेन यहां खुद बैठने के लिए आपको वॉब चाहिए और आपको सेंटेंस देख के भी साफ समझ आ रहा है कि ये वॉज सेंटेंस -साथ जो है वो पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस मींस व्हाट आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ यहां पे जाना है जो कि इधर ले है सो आई जस्ट ले हर एंड पैटेड हर बैक तो ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वही वाली बात ना ले तो यहां पे भी आता है यो वीवन भी है बट दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट यहां पे खुद बैठने की बात है कि मैं उसके बगल में बैठ गया और उसके बैक को पैट किया सो so, ए के साथ जितने लोग हैं वो सही हैं और बाकी ऑप्शन देख लो लेन बिल्कुल नहीं हो सकता राइट लेन बिल्कुल नहीं हो सकता ये थर्ड फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते और दूसरी बात लाई जो है ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसकी भी कोई संभावना नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पे हम प्रेजेंट में है ही नहीं है आपको पास्ट में जाना है इसकी इंडिकेशन आपको साफ साफ नजर आ रही है अब लेड क्योंकि सेकेंड भी है थर्ड भी है और ले सेकेंड है तो ये चीजें आपको देखनी थी तो यहां पे हम ए के साथ जाएंगे आइए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टूडेंट्स हैड सच अ अक्स डेट द प्रिंसिपल केम इन टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन यस टेल मी ओके अश्मित होपफुली आई थिंक इन अ डे आर टू यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश वी बैच

कोशिश करिए आपका सक्सेस रेट हंड्रेड परसेंट हो हाँ जी द स्टूडेंट्स हैड रेज सच अ रकस बात हुई थी हमारी कि भाई राइज रोज रिजन इन ट्रांजिटिव वर्ब है एंड रेज इज ट्रांजिटिव वर्ब रेज टेक्स ऑब्जेक्ट तो भाई यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हम रेज के साथ ही जाने वाले हैड के बाद वर्फ की थर्ड फॉर्म आएगी देखो वही वाली बात एलिमिनेशन कर लो रोज आपको दिख रहा है सेकेंड फॉर्म है इसको हमने बाहर कर लिया ठीक है और राइज uh, बिल्कुल बाहर हो गया इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेड के बाद लगेगा नहीं नाउ यू आर लेफ्ट विद रेज एंड रिजन एंड रेज्ड एंड रिजन दोनों के दोनों थर्ड फॉर्म है अब आपको देखना पड़ेगा भाई हमें ट्रांसिटिव चाहिए कि इन ट्रांटिव चाहिए साफ नजर आ रहा है so right right? so मचाया स्टूडेंट्स ने कि प्रिंसिपल को खुद आना पड़ा यह देखने के लिए भैया क्या हो रहा है यहां पे आ जाओ नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द पिक्चर वॉज इन अग हरी एंड वॉज क्रोक्ट What is the meaning of the word crooked? It's an interesting one. Crooked means, crooked means what? Crooked means जहां पे जैसे कोई आप इमेज या फोटो अगर लगाते हो तो वो जल्दबाजी में अगर आप लगाओ ना तो वो क्या होता है वो हिलने लगता है मतलब आपने एक तरीके से उसको जैसे जल्दबाजी में लगाया तो वो बैलेंस नहीं है सो दैट इज कॉल्ड व्हाट क्रूक्ड अब मुझे बताओ क्या लग रहा है के साथ जा रहे हो सही जवाब लास्ट क्लास में बात हुई थी हैंग्ड का इस्तेमाल आप करते हो फांसी के लिए राइट सो द पिक्चर वाज हैंग्ड इन अ बिग हरी दैट इज इनकरेक्ट वाज हैंगिंग अब देखो यहां पे थोड़ा सा फंडा आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल हो रहा है सो हैंग हैंग्ड एंड हैंग्ड हैंग हंग एंड हंग राइट सो द पिक्चर वॉज हंग इन अग हरी एंड वॉज क्रोक्ड तो यहां पर आप क्योंकि देखो ये कंफ्यूजन क्यों है बिकॉज अगर इफ इफ यू यू गो इन इन एक्टिव एक्टिव आर राइटिंग वॉच के बाद वो में जी लगेगा तो किसी मासूम दिमाग को ट्रैक करने के लिए वो इस तरह का सवाल आपको वहां पे दे सकते हैं तो आपको ये बात समझनी है कि आप वो लॉजिक लगाओ नहीं वॉच के बाद तो वॉब में आई आता है आपको ये समझना है कि कोई भी पिक्चर जाकर के खुद कहीं नहीं टंग जाएगी उसको कोई टांगेगा वहां पर लटकाएगा जो भी है सो द पिक्चर वॉज हंग राइट तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो जाने वाली है और आप बी ऑप्शन के साथ जाओगे राइट right? हैंग भी बाहर हो जाता है और हैंगिंग भी बाहर हो जाएगा तो यू नीड टू डिवेलप दैट लॉजिक लॉजिक के साथ चीजों को तुक्का बिल्कुल नहीं करना यहां पर नेक्स्ट वन इन द पास्ट आई हैव आउट माई गार्डन इन स्ट्रीट रोज बट दिस इयर आई एम यूजिंग प्लांटिंग बेट्स लेट लेन लाइट इन लेव लगा हुआ है आपको सीधा सीधा हिंट दिख रहा है तो यहां पे आप जाने वाले हैं आई हैव लेड आउट आई हैव लेड आउट माई गार्डन इन स्ट्रेट रोज बट दिस ईयर आई एम यूजिंग प्लांटिंग बेट्स सो हैव के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी वो बहुत क्लियर है और आपको लाइट पता है नहीं होगा लेइंग पता है नहीं होगा लेड और लेन में कंफ्यूजन थी लेन खुद के लिठाने बिठाने के लिए है तो यहां पे आप लेड के साथ जाओगे लेआउट करना इसी को हम लेआउट भी कहते हैं जब किसी चीज का लेआउट बनाते हो आप That is layout. Now that it's spring, the sun has earlier every day this week. Now that it's spring, the sun has earlier every day this week. Raised, risen, rose, and raised. Correct option is. एलिमिनेट कर लो फटाफट रेज बिल्कुल नहीं हो सकता आपको पता है रेज का मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से तबाह करना सो दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन रोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट्स नॉट पॉसिबल रिजन एंड रेज्ड अब बचपन से पढ़ रहे हैं हम सन राइजिंग इन द सन दनराइजेज इन द ईस्ट डेफिनेटली वो मैंने बात हमने ये की भी थी लास्ट सेशन में कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है बट अगेन तो सन हैज रिजन अर्लियर एवरी डे दिस वीक यहां पे इन ट्रांजिटिव चाहिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत नहीं है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे सो द सन हैज रिजन अर्लियर एवरी डे दिस वीक सूरज उग जल्दी रहा है अथ ही वॉज बैक इन द एजेस इट्स प्रिटी इजी एवरी वन शुड गेट दिस आंसर करेक्ट वेरी गुड द करेक्ट ऑप्शन इज हैंड इतनी बातचीत हो चुकी है अगेन आई आस्क्यू वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देंटेंस इन एक्टिव इन पैसे वॉट डू थिंक एक्टिव में है या पैसे में ये पैसे वाइस में कोई चोर खुद को तो लटका नहीं लेगा ना तो लोग उसको सजा देंगे तो वॉज हैंग्ड बैक इन द मिडलेज इज राइट सो और किसी के साथ नहीं जाओगे ये ऑप्शन अगेन उसी कंफ्यूजन के लिए है वॉज हैंगिंग बैक नो वॉज हैंग्ड बैक इन द मिडिल मध्यकाल में चोरों को फांसी पे लटका दिया जाता था नेक्स्ट वन द टॉडलर हैज ऑफ द सनडेक टॉडलर ये दैट इज तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी है आपको जैसे इफ यू टॉक अबाउट एस एस सी एग्जाम दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉइस एंड डायरेक्शन डायरेक्टली दट द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव स्लैश पैसि एंड चेंज अकॉर्डिंगली बट इस लेवल पे नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट चेंज द वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन बट एटलीस्ट यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वेन शुड बी राइट एनी सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड वेन शुड भी राइट अ सेंटेंस इन पैसिव वाइस सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए द टॉडलर हैज ऑफ द सनरेक तो भाई बच्चा खुद गिरेगा ना और खुद गिरने के लिए फॉल फेल फॉल इन ठीक है बच्चों की बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है तो यहां पे फॉल के साथ जाओगे नहीं और बीन फॉलिंग ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं कहां से प्रकाश वर्ष की दूरी से बच्चा गिर रहा है संडे की बात हो रही है यहां पे तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहां हैज बीन फॉलिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द आएगी जल्द बैंकिंग की भी बुक जल्दी आएगी आई थिंक उस पर काम चल रहा है और कोशिश यह है कि आपको अप्रैल लास्ट तक मैं दे सकूं और जो जनरल आपकी प्रैक्टिस बुक है वो आ जानी चाहिए इस वीक में वी आर होपिंग दैट द टेम्परेचर विल एनअ फॉर द स्नो टू मेल्ट करेक्ट ऑप्शन टेक द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब मोडल विल टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये नो तो विल बी विल रोज बिल्कुल नहीं होगा ये बताए आपको द स्नो टू मेल्ट सो यहां पे ऐसा नहीं कि हम किसी यू नो डिवाइस के जरिए टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले विल राइज एनफ सिंपली यानी टेम्परेचर जो है उतना बढ़ जाएगा जिससे स्नो जो है वो पिघल जाए ठीक है I, the next one is We all watched the space shuttle into the atmosphere. We all watched the space shuttle raising, rising, rises, has risen. शटल राइजिंग इन टू द एटमोसफियर वो खुद राइज हो रहा है अपनी ताकत से ऐसा नहीं कि कोई उठा रहा है राइट right? तो उठते हुए पार्टिसिपियल यूसेस सो वी ऑल वॉज द स्पेस शटल राइजिंग इन टू एटमोसफियर नेक्स्ट वन द लिंच मॉब द हॉर्स थीफ विदाउट अ ट्रायल द लिंच मॉब द हॉर्स थीफ हैंग्ड हंग वॉज हैंंगिंग वर हैंगिंग री गुड दैट इज हैंड लिंच किस को बिना किसी ट्रायल के सो so, यह तो वही वाली बात की सिंपल सा फंडा है यहां पर वॉज हैंगिंग वर हैंगिंग ये तो लग रहा है कि कोई झूल रहा था तो लिंच मॉप झूल नहीं रही थी <laughs> यहां पर उसने हॉर्स थीप को बिना ट्रायल के ही फांसी पर लटका दिया The noise the students was enough to give the teacher a migraine. The noise the students was enough to give the teacher a migraine.

रेज के साथ दिस इज एन सी ये नाउन क्लॉज है दैट इज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस राइट एंड देन वॉज एन अफ टू गिव वो वॉज के लिए सारा का सारा सब्जेक्ट है कि कौन सी चीज पर्याप्त थी टीचर को माइग्रेन देने के लिए सरदर देने के लिए वो नुआज जो कि स्टूडेंट्स ने रेस किया नेक्स्ट वन द टोटल हैज ऑफ द बेड अगेन आई थिंक इट्स प्रेटी ईजी हैज हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सो फॉल एंड फेल ये तो गायब हो गया फेल्ड एंड फॉल इन अगेन कोई जानबूझ कर गिराएगा है नहीं हैज़ फेल्ड ऑफ का तो मतलब ही नहीं फेल्ड ऑफ हमेशा किसी चीज़ को करोगे यहाँ बेचारा खुद गिरा है खुद के गिरने के लिए फॉल इन फेल किसी और चीज़ को गिराने के लिए तो हैज़ फॉल इन ऑफ द बेड बेड से गिर गया अब ये जो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन हैं ये एक्चुअली

हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करके चलना पड़ता है रंजी करेक्ट ऑप्शंस the drunken drunk friend has drunk drunken another beer and he always comes back from L london laden or loaded with gifts for everyone in the last class i had asked a question to you all that what is the difference between laden and loaded कोई थोड़ा काम करके आया इसके ऊपर क्योंकि तो देखो ये बात तो हमें समझ में आती है कि लेडन का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं बट लोडेड का भी तो इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे होता है नो yes, no. कई बार आप कहते नहीं लोडेड ट्रक तो वहां भी तो एडजेक्टिव है क्या फर्क है पहले इसको निपटा लो फ्रेंड की बात हो रही है यानी इसके पहले आपको क्या चाहिए एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव के लिए ड्रंक इनका इस्तेमाल होगा और हैज के बाद वो आपकी थर्ड थर्ड फॉर्म ड्रंक आ गई तो यह तो क्लियर हो गया यहां पे भी ही ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम लंडन लेडन विद गिफ्ट्स फॉर एवरीवन सो लेडन का यूज यहां पे आप देख रहे हो कोई फर्क समझ में आया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोडेड एंड लेडन देख लीजिए मैंने वैसे एक्सप्रेशन बोले हैं आप थोड़ा ध्यान देते तो आपको ध्यान में रहता जैसे मान लो कोई चीज आप इस तरह से इस्तेमाल करते हो हैवीली लोडेड ट्रक एक्सप्रेशन कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है लोडेड ट्रक कई बार वो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है राइट right? सो so, आप देखोगे लोडेड का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से हो रहा है अभी पीछे आप मॉडिफायर कर करके आ रहे हैं यह आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है मीन वॉट लोडेड विल ऑलवेज कम बिफोर द नाउन जिसके पहले जिसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं ठीक है लेकिन कई बार दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है यहां लिटरली के लिए नहीं ही इज लोडेड भी इस्तेमाल हो जाएगा बट दैट टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ दैट पर्सन बट किसी सामान से लदे होने के लिए आप वहां पे यूज कर रहे होते हो लेकिन अभी अगेन आप लेडन लेडन का इस्तेमाल देखें तो लेडन जैसे यहां पे दिख रहा है उसके डिस्कशन के बाद ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम लंडन लेडन विद गिफ्ट्स या अगर हम इसी ट्रक के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कोई कॉमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेगा अब जैसे आप इसी को अगर कहें अ ट्रक ट्रक लेडन विद ट्रूट्स राइट तो इस तरह से यह यूज हो रहा होता है तो लेडन वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप उसके बाद कर रहे होते हैं जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे आप गाड़ियों में देखते होंगे लेडन वेट यह एक्सप्रेशन यूज होता है लेडन वेट कर्ब वेट यानी लदा हुआ कितना वेट यह गाड़ी उठा सकती डिफरेंट टाइप के यूसेज है यहां पर बट बाद वाले में तो आप लेडन के साथ ही जाओगे नेक्स्ट वन अ सर्कुलर मोल्ड राइजेज एंड एनवेलब्स द मास ऑफ मोल्टन और मेल्टेड ग्लास द फार्मर टॉट मी हाउ टू शेयर अर शॉर्न शीप शी इज नोन टू फॉलो वेल ट्रॉडेन और वेल ट्रॉड पाथ वेरी गुड आकांक्षा ये नया चैनल है बिल्कुल इसको थोड़ा शेयर करें आप स्टूडेंट्स के बीच में ये इट्स नॉट जस्ट हेल्पफुल फॉर द बैंकिंग वॉन्स बट इन जनरल एज वेल दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी हेल्पफुल लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज इन दीज सर्कुलर मोल राइजेस एंड एनवेलप्स द मास ऑफ मोल्टन आर मेल्टेड ग्लास सो हेयर यू नीड एन एडजेक्टिव

और एक शब्द और भी हमने डिस्कस किया था साथ ही साथ ये जरूर ध्यान में रखें शेयर एस एच डबल दिस इज नथिंग बट शेयर स्टूपिडिटी यह कुछ और नहीं निरा बेवकूफी है सो शेयर यूज एज एन एडजेक्टिव इट्स यूज एज एन एडजेक्टिव मीन्स कंप्लीटली अटरली एंड शी इज नोन टू फॉलो वेल आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस कॉलोकेशन एज वेल वेल ट्रॉडन पाथ मीन्स वॉट वो रास्ता जिसपे बहुत सारे लोग चले हैं शी इज नोन टू फॉलो वेल ट्रॉड इन पाथ दैट द करेक्ट यूसेज राइट और ये वॉब कहां से आता है यह पैदा होता है यहां से ट्रेड ट्रॉड ट्रॉड डू रिमेंबर दिस वन एंड ट्रॉड इज यूज एज एन एड्जेक्टिव राइट सो ट्रेड मीन्स वॉट चलना यहीं से आता है ट्रेडमिल जो इस ट्रेडमिल का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रेडमिल इसी से आया इसी वॉब से आया हुआ है तो ट्रेड

रोहित का पता ही नहीं है कोई बात नहीं सर आई वॉज बिजी इन सॉल्विंग क्वेश्चन आई डेंट काउंट नो प्रॉब्लम रोहित यू नो वाई डू आई आस दिस थिंग बिकॉज यू पीपल आर प्रिपेरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू हैव टू गिव योर परफॉर्मेंस ऑल द टाइम सो एंड दिस इज द वे दिस इज द वे ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल सो वेन एवर यू स्टार्ट एनी टॉपिक क्लियर फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स फर्स्ट एंड देन लर्न द अप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन and the third thing is what practice those questions in a pressurized situation and for that you need to gauge your performance that's why whenever you are solving questions or this is something that is applicable across the subjects koi bhi subject ki baat kar lo aap अगर आपकी conceptual clarity है उस topic के बारे में और आप जानते हो कि उसका exam में किस तरीके से use होता है questions आपने solve कर लिए तो अगला तीसरा पड़ाव क्या होता है उसको आप थोड़ा सा प्रेशराइज्ड सिचुएशन में सॉल्व करें जिस तरह की सिचुएशन आपको एग्जाम में चालीस right? मिनट तो ही के क्लास को बट ये क्वेश्चन करने के लिए शायद अगर टेस्ट के पे दिया तो इनकी औकात जो है वो पांच मिनट से ज्यादा नहीं थी पांच मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं राइट right? तो फंडामेंटल्स क्लियर है ये 20 दो से तीन मिनट मोर देन सफिशियंट राइट बहुत बेसिक लेवल की बात है बट क्योंकि कंफ्यूजिंग है और मैं यूट्यूब पे चर्चा कर रहा हूं आई नीड टू डिस्कस ऑल क्वेश्चंस एज वेल साथ में साथ हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं खुद सॉल्व करने के लिए तो दो से तीन मिनट पर्याप्त हैं राइट right? सो so, और वर्ब्स भी ऐसा नहीं कि बहुत वेरिएशन मैंने किया लिमिटेड ही थे आपके पास हमने डिस्कशन में काफी वर्ब्स डिस्कस किए थे तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है बिकॉज वी नीड टू फ्रेम सेंटेंसेज चाहे हम स्पीकिंग की बात करें राइटिंग की बात करें एंड इफ यू आर नॉट क्लियर विद द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स वो पूरा का पूरा मामला चेंज कर देता है आपको फीलिंग कुछ और आ रही लगा कुछ और रहे हैं आप और ये बहुत एम्बेसिंग सिचुएशन है इफ यू आर नॉट क्लियर विद योर करेक्ट वर्ब फॉर्म्स यू नो समन इज नॉट एक्सपेक्टिंग अबाउट एनी एक्सपेक्टिंग ऑफ एनी गुड वोकैबलरी आप एक लो फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं बहुत कम लोग देखा है उस वर्ड को ये सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इनका इस्तेमाल होता है और अगर हम इसमें क्लैरिटी नहीं रखें तो ये बहुत इंबेसिंग सिचुएशन है तो दैट्स ऑल होगी रीजनिंग की क्लास की भी टाइमिंग अलग अलग है वो आपको पता लग जाएगा सर ने बताया भी होगा राइट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मैथ्स की, की क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं बट आशीष सर की क्लास आज नहीं हो पाई देर द स्टूडियो सर के स्टूडियो में कुछ दिक्कत थी यस yes, बिल्कुल सो दिस इज द थर्ड सेशन ऑन वर्ब एंड टेंसेज एंड पिछले दो सेशंस में हमने मेन वोब के अलग अलग एप्लीकेशन देखे थे कि मेन वोब्स के ऊपर हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की पार्शियल मॉडल्स की और हेल्पिंग वर्ब्स की कि इनके ऊपर आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है चले गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी सो किससे शुरुआत करें आप चाहो तो पहले मैं सेंटेंसेस दे दूं, सो दैट यू कुड रियलाइज कि किस तरह के चैलेंजेस आपको मिलते हैं और फिर हम आ जाएंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूं आपको कुछ च्वाइसेज यहां पर मिलेंगे और आपको बताना है कि किसके साथ आप यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं अगर सेंटेंस लिखा है इस तरीके का लाइक आई एम आई एम यूज टू आई एम यूज टू अटेंड आर Attending this kind of seminar, he was used to visit. Are visiting this place? Be, we used to play or playing hockey. इस थ्री सेंटेंसेज यू हैव बिफोर यू एंड च्वाइसिज यू हैव ए एंड बी ए एंड बी और बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप किसके साथ जा रहे हैं हां जी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सेंटेंस के नंबर के साथ जरूर लिखना ये बहुत परेशान करने वाला एरिया है जिसको आज हम यहां पे डील कर रहे हैं किसके साथ कहां जा रहे हो मतलब आप अपने कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख सकते हो मान लो तीनों में आपको ए लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ए कॉमा ए कॉमा ए लिख दो मुझे समझ में आ जाएगा इस तरह से कॉमेंट सेक्शन में लिखो आप या ए बी ए बी ए जो भी कुछ लग रहा हो आपको यस कैसे डिसाइड करते हैं ये ये यूज टू आपको बड़ा परेशान करता है या मैं एक सेंटेंस और अगर यहां पे लिखू थोड़ा सा गियर बदलते हुए चौथा सेंटेंस यू नीड नॉट यू नीड नॉट टू गो आर गो देर किसके साथ जा रहे हो यहां पे भी चलो मैं ए भी दे देता हूं आपको ये सारी समस्याएं आज हम यहां पे डील करेंगे कर लिया आंसर है कंफ्यूजन या नहीं है यह कंफ्यूजिंग एरिया है बहुत सारे लोगों के लिए और इसमें फिर हमें चीजें रटनी पड़ती हैं आज उस रटने के आ, की जो समस्या है उससे बिल्कुल हम दूर हो जाएंगे आइए इन सवालों पे हम आएंगे दोबारा पहले मैं जरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन आपके साथ कर लू जो वोब की हमने क्लासिफिकेशन की थी उसमें पहला बेसिस था मेन वोब और हेल्पिंग वोब मेन वोब का ज्ञान आपने ले लिया था उसको एग्जाम में कैसे फंसाया जा सकता है क्वेश्चन में द काइंड का चैलेंजेस इन एक्चुअल एग्जामिनेशन सैनैरियो यू हैव सीन ऑल टाइप्स ऑफ नाउ विल टॉक अबाउट द हेल्पिंग वोब इन टूडेज क्लास राइट जब हम हेल्पिंग वोब्स की बात करते हैं नाम से ही पता लग रहा है जो हेल्प करता है मेन वोब को अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन की बात करो दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में आता है सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की ध्यान से सुनते और समझते चलिएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और जो दूसरा एरिया है आप इसे कहते हो मॉडल्स। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इसमें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपके पास कौन से फॉर्म आते हैं यहां पर आपके पास आता है बी फॉर्म का वर्ब राइट right? आपके पास आता है डू फॉर्म का वर्ब और हैज़ पी का मतलब इज एम आर वॉज वर डू डज डेड और इधर आप बात करो तो हैज हैव और हैड की ये आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और अगर हम मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास कैसे शब्द आते हैं बचपन से पढ़ रहे हो आप विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट यूज्ड टू डेयर नीड ऑट टू राइट ये सारे के सारे आपके क्या हैं यह सब मॉडल वॉब के अंदर आ जाते हैं हैव टू हैड बेटर हैड रादर इस तरह से एटसेट्रा पॉइंट यह है कि व्हाट्स द रीजन कि हमने हेल्पिंग वॉब को इन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया सबसे पहले सवाल पूछने की हमें जरूरत है कि जब दोनों के दोनों हेल्प भी करते हैं आप हेल्प देख भी लो इनके किस तरीके से हेल्प करते हैं अब जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस आप यहां पे लिखते हैं कि ही डज डज प्रैक्टिस अ मॉक टेस्ट ही डज प्रैक्टिस अ मॉक टेस्ट एंड द सेकेंड सेंटेंस इज

मेन से पहले क्या आया हुआ है हेल्पिंग आया है लेकिन अगर आप हेल्पिंग वोब देख रहे हो तो जो सब जो ऊपर वाला सेंटेंस है? है, है वो मॉडल वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करता है मैंने सवाल क्या पूछा था सवाल यही पूछा था कि वेन बोथ काइंड ऑफ वर्ब एक्चुअली कम बिफोर द मेन वर्ब दोनों का काम मेन वर्ब को हेल्प करना है तो आखिर हमें इस कैटेगराइजेशन में डालने की जरूरत ही क्या है या और अगर मैं क्वेश्चन को स्पेसिफिक करूं देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स इन अ सेंटेंस इस फंक्शन को समझे उसका क्या एप्लीकेशन है तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसको खुद आंसर देने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा इस तरीके से कि शी हैज शी हैज कंप्लीटेड

हैज और हैड का फर्क इन दोनों सेंटेंसेस में किस बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा हैज और का जो डिफरेंस हैज और हैड का जो डिफरेंस है यह इन दोनों टेंसेज दोनों सेंटेंसेस में किस बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है टेंसेज के बेसिस पे यह पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि दिस सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज पास्ट परफेक्ट दैट्स द डिफरेंस तो यहां से सवाल का जवाब आपको मिल गया कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो जब मेन वर्ब के पहले आते हैं तो वो आपको टेंस की सूचना देते हैं अब दोबारा आ जाइए जरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको यहां पे यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इज एम आर ये बात करते हैं प्रेजेंट की और वर कहां पर आ गया ये आ गया पास्ट में डू प्रेजेंट एंड डेट जो है वो पास्ट एंड अगेन हैज है प्रेजेंट एंड हैड जो है वो पास्ट में है यहां पर एक सवाल मन में पैदा होता है फिर कि भाई फ्यूचर टेंस नहीं होता क्या क्योंकि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो आपको टेंस की सूचना देते हैं बट वी डू नॉट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब इन अंडर द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी जो कि आपको फ्यूचर की सूचना दे और फ्यूचर की सूचना मिलती कहां से वो मिलती है विल और शैल से बट वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के पार्ट नहीं वो पार्ट किसके हैं वो मॉडल्स के पार्ट है कई बार इस तरह का भी कंटेंट कहीं पढ़ने को मिले कि इज नो फ्यूचर टेंस तो कभी भी परेशान मत हो जाना ये क्या हो गया यू नो अभी बचपन से हम प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर पढ़ रहे थे बड़े होते होते फ्यूचर गायब कहां हो गया तो उसके पीछे कारण ये है कि भाई फ्यूचर टेंस की सूचना देने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के पार्ट नहीं हैं और मॉडल शब्द का जन्म कहां से हुआ है तो अभी मैंने क्या पूछा था कि इनका फंक्शन क्या है तो आपको पता लग गया कि ये आपको जानकारी देते हैं किसकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हमें टेंस की जानकारी देते हैं किसी भी मेन वर्ब से पहले लग करके ये बता देगा कि भाई इस सेंटेंस का टेंस क्या है लेकिन मॉडल्स वर्ड का जन्म कहां से हुआ है ये हुआ है मूड वर्ड से राइट इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स और अगेन यहां पे ऐसा नहीं है कि एक मॉडल वर्ब का मीनिंग लिमिटेड है वन मॉडल वर्ब कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज राइट इन मल्टीपल तो अलग अलग तरह के ये मूड बता सकते हैं जैसे आप देखो शेल का अगर मैं यूज पूछू आपसे will और शैल तो क्योंकि बचपन से पढ़ा है बाकी सब भी आप बचपन से यूज कर रहे हो तो शेल के इस्तेमाल कितने तरीकों से हो सकते हैं जो मोटे तौर पे आपने बचपन में रटके पढ़ा वो ये पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन पढ़ाउन के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं लाइक विद आई एन वी एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज विल बट क्या ऐसा ही होता है क्या नहीं आप बेधड़क आई विल का इस्तेमाल करते हो और आपको ऐसे सेंटेंसेस भी सुनने को मिलते हैं विच यू हैड द टोकन कई बार मेट्रो अनाउंसमेंट में आपको यह सुनने को मिलता है राइट सो वहां पे किस तरह का डिफरेंस नजर आ रहा है पनिशमेंट यू एंड ही प्रेजेंट इन द कोर्ट टूमोर तो आप देख रहे हैं कि जब हम सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मल्टीपल सेंसेस में यूज हो जाता है आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं वहां भी शैल का इस्तेमाल हो जा रहा है आप कमांड कर रहे हैं ऑर्डर कर रहे हैं वहां भी शैल का यूज हो रहा है आप प्रॉमिस कर रहे हैं वहां भी शैल का यूज हो जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड के साथ वहीं विल का इस्तेमाल आप सर्टेनिटी के सेंस में वॉल्यूशन के सेंस में करते हो तो कहने का क्या मतलब है कि मॉडल वर्ब्स जो हैं इनका इस्तेमाल हम कई तरह के सेंस में कर सकते हैं जबकि इनका इस्तेमाल लिमिटेड है इज का इस्तेमाल किसके साथ होगा आपको पता है आर का किसके साथ होगा पता है एम का किसके साथ है वो फिक्स्ड है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है और ये बता रहा होता है कि इज एम आर है तो प्रेजेंट है वॉजवर है तो पास्ट है लेकिन क्या कैन और कुड का फर्क हमेशा यही बताएगा क्या कुड हम डेफिनेटली कहते हैं कुड इज द पास्ट ऑफ कैन बट क्या हमेशा कुड पास्ट की बात करेगा Uh, नहीं जरूरी नहीं है कई बार आप जो मॉडल वर्ब के पास्ट uh, फॉर्म्स की तरफ जाते हैं तो जो इमोशन फीलिंग प्रेजेंट फॉर्म पुट फॉरवर्ड कर रहा है उसकी डिग्री इनहेंस हो जाती है राइट जैसे आप कहीं किसी को पूछ रहे हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और वहीं पर ग्लास ऑफ वाटर इट्स नॉट लाइक दैट कि जब आपने पूछा आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर तो आप पानी जो है वो पास्ट टेंस में मांग रहे हो पानी आप अभी मांग रहे हो बट ये थोड़ा और तमीजदार तरीका है पानी को मांगने का राइट कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सो मतलब डिग्री एनहेंस हो जाती है यहां पे जो सिंपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यही है कि जरूरी नहीं है कि जब आप किसी मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पास्ट टेंस की ही सूचना दे रहा हो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है तो डिफरेंस आपको मोटे तौर पर यहां पर क्लियर हो गया अब आइए इनसे जुड़ी हुई बातें तो हमें पता है इसमें कोई बात करने की बात है नहीं यू डू नो कि क्या डिफरेंसेस है मॉडल्स में हमें दिक्कत आती है और इनसे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं जैसे मैंने आज शुरुआत में आपसे पूछा तो भाई मॉडल वर्ब्स में आपको तीन बातें प्राइमरीली ध्यान में रखनी होती हैं क्या क्या मॉडल्स के तीन ट्रेट्स क्या हैं भाई अगर आप मॉडल्स की बात करो तो मॉडल्स के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे मॉडल्स के साथ कभी टू प्लस वी वन का इस्तेमाल नहीं होता एंड मॉडल वर्ब भाई किसके बाद आएंगे कम आफ्टर सब्जेक्ट ओनली क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगाते हैं ये बहुत कॉमन सेंसिकल बात है मतलब आप कोई सेंटेंस लेकर के ये तीनों बातें प्रूव कर सकते हो जैसे अगर सिंपली कोई आपको कह रहा है कि यू कैन डू दिस तो आप देखिए क्या ये तीनों बातें यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है यू कैन डू दिस में डू इज द मेन वर्ब एंड कैन इज मॉडल वर्ब तीनों बातें यहां एप्लीकेबल है भाई कैन मॉडल वर्ब है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है और मॉडल वर्ब के बाद आप टू प्लस यून नहीं लगा सकते राइट right? तो ये टू प्लस यून आप यहाँ पे नहीं लगा सकते मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं v1 लगता है टू प्लस v1 नहीं लग सकता यहां नहीं लगा हुआ है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है तो ये सिंपल सा ट्रेट है आप इस बात को जानते हैं आप कभी ये नहीं कहोगे कि ही डज नॉट शुड डू दिस राइट आपको पता है कि आप सिंपली ही शुड नॉट डू दिस ये कह सकते हैं ही शुड नॉट डू दिस राइट उसे ये काम नहीं करना चाहिए तो आपको नजर आ रहा है कि भाई मॉडल वर्ब जो है वो एक तो सिंपल सी बात ही सीजन प्रूफ होते हैं सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी सब्जेक्ट हो शुट लगा सकते हो आप सिंगुलर प्लुरल का कोई पंगा यहां पे नहीं है मॉडल्स के साथ एक और बात होती है इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ नॉट मॉडल्स आर आल्सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ नॉट द रीजन इज रीजन इज एविडेंट रीजन इज एविडेंट साफ साफ आपको नजर आ रहा है जैसे आप सेंटेंस लिखें ही शुड डू दिस अब आपको अगर इस ही शुड डू दिस का नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो बहुत सिंपल है बाद आपने not लगा दिया। और सभी के साथ है। कोई हो उसके साथ आके जुड़ जाता है बट क्या आप ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनेट पासेंस में कर सकते हो क्या अगर आप ये लिखते हो कि राइट बैंड यू वॉन्ट टू राइट द नेगेटिव ऑफ दिसेंस वॉट इुट राइट दिन वहां क्या लिखोगे आप वहां लिखोगे ही डज नॉट राइट अ ब्लॉग सो इन ऑर्डर टू मेक दैट सेंटेंस नेगेटिव आपको हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है या आपने अगर कहा कि शी रोट अ ब्लॉग एंड दैट्स द पास्ट इन डेफिनेट यू वॉन्ट टू मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव क्या कहना पड़ेगा शी डिड नॉट राइट दिस ब्लॉग राइट या ब्लॉग जो भी है तो वहां पे नेगेटिव बनाने के लिए डज डू डिड जैसी आवश्यकता है वो आपको लगाना पड़ रहा है केस यहां चुपचाप नॉट आके जुड़ जाता है मोडल वर्ब्स के साथ एंड इज वाई देर ऑल्सोटर बात है इनके साथ. अब जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है उसकी हम बात कर लेते हैं और वो है आपके पार्शियल मोडल्स जो बहुत परेशान करते हैं और सबसे ज्यादा सवाल भी यहां से पूछे जाते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा पार्शियल मॉडल्स का मतलब क्या है कि जो वर्ब्स हम लिखने वाले हैं ये मॉडल के साथ साथ कुछ और भी काम करते हैं और कौन कौन हैं वो हाँ जी ये तीन हैं जो बहुत परेशान करते हैं आपको यूज टू है डेयर है और नीड है राइट right. ये तीनों आपके एक तरह से स्पेशल केसेस जिन पे थोड़ा आपको ध्यान देना होता है आइए ध्यान देते हैं आई एम गोइंग टू राइट कपल ऑफ सेंटेंसिस आउट एंड आप बताएंगे मुझे कि वो सही है गलत है पहला सेंटेंस कुछ और भी सवाल मैं पूछूंगा अभी पूछ लूंगा मैं आपसे यू नीड टू डू दिस सिंपल सिंपल सेंटेंस यू नीड यू नीड टू डू दिस सेकेंड सेंटेंस इज यू डू नॉट नीड टू डू दिस थर्ड सेंटेंस इज यू

सही है गलत है पहले तो ये बताना है और अगर हैं तो नीड मॉडल वर्ब है कि नहीं है क्योंकि हम बात इस पे यहां पे वही करने वाले हैं यस yes. जब तक आप अपने विचार दे रहे हैं तब तो तक मैं कुछ सेंटेंस और बढ़ा देता हूं ये बहुत ये सेंटेंस हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोगों के लिए यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी तुम मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत तुमने कैसे की राइट सो बताइए मुझे इज दिस सेंटेंस करेक्ट यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी यू डिड नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ चलिए सो द पॉइंट इज वॉट पहली बात तो ये सारे सेंटेंसेज सही हैं गलत है सारे करेक्ट हैं पहले तो यह क्लियर हो जाओ आप ऑल द फाइव सेंटेंसेज आर एब्सोल्यूटली करेक्ट आउट हेयर

आप देखिए अगर नीड मॉडल वर्ब होता यहां पे कौन सी शर्त पूरी हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है नीड अगर मॉडल वर्ब होता तो उसके बाद टू प्लस यून लग सकता है आपने साफ साफ समझा है कि मॉडल्स के साथ टू प्लस का इस्तेमाल हम नहीं करते यानी नीड यहां पे मॉडल नहीं है दूसरे सेंटेंस में भी आप देख रहे हो यहां पर भी टू प्लस यून का इस्तेमाल हो रहा है अगेन यहां पर भी नीड मॉडल वर्ब नहीं है अगर मॉडल वर्ब नहीं है तो है क्या तो भाई इस बात को समझ लें ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहां पर और मेन वर्ब के साथ तो आप टू प्लस यू वन लगा ही सकते हैं ये इन्फिनेटिव है अगले लेक्चर्स में आप समझोगे जब हम एडवांस वर्ब की बात करेंगे जिरंड इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज व्हेन यू गेट लेंथी सेंटेंसेस इन न्यूज पेपर्स कई बार समझ में नहीं आता आपको क्योंकि हमारे इन्फेनेटिव uh, के भी बड़े सारे वेरियंट हैं सिंपल इन्फिनेटिव प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव परफेक्ट इन्फिनेटिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव पैसिव इनके तो तो कई बार हम सिर्फ two plus पढ़ते हैं तो वो परेशानी का सबब रहता है आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझ नहीं आते अपने बैचेस के अंदर करियर बैचर्सियर वेलैब पर तो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं बट यूट्यूब के लिए बता रहा हूं मैं तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है एनी anyway, वे यहां पर आप देखें तो ये नीड जो है ये मॉडल वर्ब है और अभी आपने पीछे जो सेंटेंस किया है शुड के साथ क्या बिल्कुल उसी गणित पे नहीं चल रहा जैसे आपने कहा यू शुड नॉट डू दिस वैसे यू नीड नॉट डू दिस तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है लेकिन ये कई बार लोगों के गले के नीचे उतरता नहीं है ठीक है वो आदत होती है हमारी कुछ गलत बोलने की और वो हम क्या बोलते हैं हम कहते हैं यू नीड नॉट टू डू दिस यू नीड नॉट टू गो देयर यू नो सो नीड नॉट के बाद हम टू लगा देते हैं बड़े प्यार से यू नीड नॉट टू डू दिस दैट इज एप्सुलूटली इनकरेक्ट एंड रबिश यू नीड नॉट डू दिस यू नीड नॉट गो देअर नीड नॉट के बाद अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे लगाते हो टू अगर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा और दैट इज वाई ये एरिया जो हैं वो थोड़ा परेशान करते हैं लोगों को बिकॉज स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हम गलत बोलते हैं और इनफॉर्मली यूज करते हैं और हमें लग रहा होता है क्योंकि जो यूज कर रहे हो ना वो बहुत कहीं सब कॉन्सियस में बैठता जाता है तो हमें गलत की अगर लंबे समय से आदत पड़ गई है तो गलत ही सही लगने लगता है तो लगने और होने में फर्क है तो यहां जो होता है वो समझ रहे हैं लगना खत्म हो जाएगा इसके बाद अगले सेंटेंस में आप देखें यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी अगेन दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड डेयर इज यूज एज मॉडल वर्ब ओनली और यहां पे भी सेम कहानी है नॉट उसके बाद आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है एंड यू डिड नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ यहां स्ट्रक्चर साफ साफ समझ आ रहा है देखो ये डेयर में भी था और नीड में भी था अगर ये मॉडल वर्ब होते तो सब्जेक्ट के बाद आने चाहिए थे यहां तो उनके बीच में एक हेल्पिंग वर्ब आ चुका है और हेल्पिंग वर्ब अगर आया हुआ है तो ये साफ साफ पे पता लग रहा है इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट इन बोथ द देंटेंड एंड फिफ्थ नीड एंड डेयर ये दोनों वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं दे आर बींग यूज एज मेन वर्ब एंड विद मेन वर्ब यू कैन सिंपली यूज टू प्लस वी वन एंड दैट इज द केस आउट आउटर टू स्पीक द द्रूथ दैट्स एब्सुलटली करेक्ट गॉट इट एवरी वन सो नाउ यू कैन फॉर्मुलेट थिंग्स योर ओन आपको किसी को लिखे हुए फार्मूले के रटने की जरूरत नहीं आप खुद फार्मूला बना सकते हैं क्या बना सकते हैं भाई सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर अगर आया हुआ है और उसके बाद टू प्लस वी वन है या सब्जेक्ट प्लस कोई हेल्पिंग और उसके बाद नीड या डेयर आपको दिख रहा है तो उस हालात में भी आप टू प्लस वी वन का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद और यहां से समझ में क्या आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हां जी व्हाट इज द फंक्शन फंक्शन क्या नजर आ रहा है यहां पर अगर पूछा जाए नीड और डेयर किस तरह का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं तो क्या आप इनको मॉडल वर्ब्स कह सकते हैं बिल्कुल नहीं कह सकते यहां पे ये यह काम कर रहे हैं नीड और डेयर किसका काम कर रहे हैं इनके साथ ही लिख दो ना नहीं तो आप कहोगे किसकी बात हो रही है इन दोनों कंडीशन में स्ट्रक्चर्स में नीड और डेयर काम कर रहे हैं मेन वर्ब के तौर पर ये मेन वर्ब्स होते हैं जैसे कोई मेन वोव फंक्शन करेगा और आपको यह नजर आ रहा है कि अगर पूछा जाए आपसे कि भाई ये मॉडल वर्ब कब होते हैं तो वो भी आपको नजर आ गया कि सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर आया हुआ हुआ है है इसके तुरंत बाद लगा हुआ है not, और not के बाद आप लगा लगा नॉट नॉट और के आप रहे हैं तो ऐसे सूरत हाल में नीड और डेयर किस तरीके से काम कर रहे होंगे भाई ये काम कर रहे हैं आपके मॉडल वर्ब के तौर पर इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है कई बार स्टूडेंट इसको रटते हैं कि फर्स्ट फॉर्म लग जाए तो वो मॉडल होता है यू कैन नॉट डू दिस यू मेक नॉट गो देर तो हर मॉडल वी तरीके से फंक्शन करता है तो नीड और डेयर तो हो गया क्लियर आप कब चलते हम यूज टू के ऊपर जो काफी गेम खेलता है आ, इस बात को समझ ले आप बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिये अगर आपने ये कहा जैसे सेंटेंस ये लिखा गया यहां पे कि आई यूज टू प्ले हॉकी आई यूज टू प्ले हॉकी दिस सेंटेंस करेक्ट यस एब्सोल्युटली दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट अब यहां पे अगर पूछा जाए कि यूज टू काम किसका कर रहा है तो इधर यूज टू जो है ये काम कर रहा है मॉडल वर्ब के तौर पे सारी शर्तें पूरी भी हो रही हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं Used to का सेंस क्या होता है जब आप इसको मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है मॉडल वर्ब इमोशन, मूड आपको बताते हैं अलग अलग तो यूज टू का मतलब सो आई यूज टू प्ले हॉकी यानी मैं, so, मैं हॉकी खेला करता था यह निकल के आ रहा है लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए सेंटेंस को एंड यहां पे कह दिया जाए आई वॉज आई वॉज यूज टू तो अब कहानी बदल जाएगी अब आपको कहना पड़ेगा आई वॉज यूज टू प्लेइंग हॉकी और अगेन हम यहां पे कई बार चीजों को रटने की कोशिश करते हैं रटेंगे हम कहीं भी नहीं बस बात को समझ लेंगे देखिए ये वॉज जो है ये बी फॉर्म का वर्व है अभी आपने देखा बी का मतलब होना होता है और यूज टू यहां पे जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पर और आप किस चीज के लिए यूज टू हैं किस चीज के लिए आदती अब देखो यहां आदति थे किसके प्लेइंग हॉकी तो यहां ये प्लस आ जाता है अब आप एडवांस वर्ब में पढ़ेंगे जाकर के अभी व्यू एन प्लस आई बड़े सारे लोगों को कंफ्यूज करता है कि किस तरह का रोल ये निभा रहा है क्योंकि नाउन का भी रोल निभाता है मेन वर्ब का भी रोल निभाता है और एडजेक्टिव का भी रोल निभाता है यहां रोल कैसा निभा रहा है बताओगे आप मुझे चलिए एक एक हिंट आपको देता हूं जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा जाए अभी यूक्रेन संकट चल रहा है बहुत ठंड है वहां पे, बहुत सारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं जो लोग उस तरह के वेदर के लिए यूज टू नहीं है वो क्या कह सकते हैं कि आई एम नॉट आई एम नॉट यूज टू दिस वेदर या मान लीजिए जो लोग यूज टू हैं, नॉट हटाई दो एक बार आप और आसानी से देख लो आई एम यूज टू दिस वेदर अब जरा इसकी गणित को समझो आप इसकी गणित को समझो कैसे चल रहा है ये पूरा का पूरा मामला आई सब्जेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं साहब बी जो है ये B form का verb है अगेन कोई दिक्कत नहीं ये यूज टू क्या है ये क्या है यहां पे? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे। और आप किस चीज के लिए यूज टू हैं? ये प्रशन आ गया ये दिस वेदर जो है ये एक्चुअली नाउन फ्रेज है जो कि काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का राइट right, कि किस चीज के लिए आप आदती हैं तो मैं इस तरह के मौसम का आदती हूं अब थोड़ी सी गणित और समझिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं अब जैसे मान लीजिए कोई यह कहता है आई आई एम एम इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से या कोई ये कहता है कि आई एम अ कंफ्यूज मैन एंड इफ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट सेशन में ग्रामर फाउंडेशन सीरीज में लास्ट सेशन जो थे वो मॉडिफायर्स के थे और वहां पर हमने ये चर्चा की थी अगर कि भाई एडजेक्टिव के बारे में यह भी एडजेक्टिव है और यह भी एडजेक्टिव है किस तरह का एडजेक्टिव है इसे आप कहोगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है बिकॉज एंड हो रहा है और इधर आप देख रहे हैं ये नाउन है नाउन के पहले आ रहा है तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है सो इन बोथ द केसेस इन बोथ द केसेस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बी यूज एज एन एडजेक्टिव जो कि अभी आपने वर्ब और टेंस के भी शुरू के दो लेक्चर्स में यही बात समझी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के तौर पे तो होता है लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे भी करते हैं जैसे मैं इसी कंफ्यूज का एग्जांपल लूं और मैं यहां पे लिखूं क्लैरिटी तो है कि लेकिन किसी को अगर ये कहना है कि मैं कंफ्यूज हूं तो आप वहां पर आई एम कन्फ्यूज कहेंगे तो जैसे आई एम कन्फ्यूज आई एम एक्साइटेड आई एम डिलाइटेड आई एम वरीड तो वो वहां पे adjective का काम करता है तो किस चीज के आप आदती वो कोई कोई नाउन होगा जैसे पे पे बहुत साफ-साफ तौर आपको नजर आया कि दिस वेदर यहां पे लिखा था तो दिस वेदर इज वॉट नाउन फ्रेज तो उसी तरीके से कहा गया वो सेंटेंस जी. यहां मैं प्लेइंग पूछ रहा था आपसे कि ये क्या है तो भाई ये जिरंड है, ये जिरंड है. क्योंकि कई बार हम ये चीज अगेन रट लेते हैं कि जब भी सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म का वर्ब आए उसके बाद यूज टू लगा हो तो व्यून प्लस आई एन जी लगा लेना चाहिए रटंती बुद्ध ज्ञान ज्ञान घटंती बुद्धि है तो रटा हुआ हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है चीजों को समझना जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं जो नहीं लगाते वो क्यों नहीं लगाते वहां वो वीएन प्लस आई एन जी वर्ब नहीं है वो एक्टिविटी है आप अगर कह रहे हैं कि आई वॉज यूज टू आई वॉज यूज टू प्लेइंग हॉकी तो वहां पे वो प्लेइंग इज एक्टिविटी दैट इज नॉट एक्शन दैट इज नॉट वर्ब दैट इज एक्टिविटी आप जो मर्जी चाहो टेंस में खेल सकते हो आप आई एम कर लो कोई दिक्कत नहीं आई एम यूज टू प्लेइंग आई टू क्योंकि आदती होना मैं किया करता था यूज टू जब मॉडल वर्ब है तो वो पास्ट की हैबिट है बट जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो किसी भी तरफ से आप यूज कर सकते हो मैं इस चीज का आदती हूं मैं इस चीज का आदती था मैं इस चीज का आदती हो जाऊंगा ये भी कर सकते हो आप अब जैसे मान लीजिए कोई यूक्रेन में जैसे इतने सारे हमारे छात्र वहां पढ़ने गए वेदर बिल्कुल अलग है अब वहां जब वो पहुंचा छात्र तो वो कह रहे आई एम नॉट यूज टू दिस वेदर तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है राइट right, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं वहां पहुंच चुका हूं धीरे धीरे मैं इसका आदती हो जाऊंगा सो आई विल बी यूज टू दिस वेदर कोई दिक्कत नहीं वहां पे तीनों टेंस में खेल सकते हो क्योंकि वो तो एडजेक्टिव के लिए तौर पे काम कर रहा है जो आपका स्टेट बता रहा है कि आप उस चीज की आदती हैं आदती थे आदती हो जाएंगे राइट right, तो उसमें कभी घबराना नहीं है कि अच्छा नहीं तो पास्ट की हैबिट होती थी पास्ट की हैबिट तब होगी जब वो मॉडल वर्ब होगा और ऐसे हालात में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा ठीक है तो अब ये क्यों क्या होता है ये आपको समझ में आ गया तो अब आप इसके लिए भी फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला बना सकते हो खुद ही क्या बना सकते हो कि भाई अगर सब्जेक्ट प्लस यूज टू है और उसके बाद वी लगा हुआ है तो ये सीधे सीधे आपको क्या समझा देता है कि भाई इस हालात में ये काम किस तरीके से कैसे कर रहा है यहां पे ये आपका मॉडल वर्ब है ये मॉडल वर्ब है अभी इसके नेगेटिव और बाकी की भी बात करेंगे पहले एक अफोर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर कमांड कर लो आप और दूसरी कहानी क्या समझ में आई कि सब्जेक्ट के बाद अगर बी फॉर्म का वर्ब आ जाता है यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर्क कुछ भी लगा हुआ है और उसके बाद यू हैव हाँ यूज टू तो फिर आप V1 वन प्लस का इस्तेमाल करते हैं राइट ये बात आपको ध्यान में आ गई और क्यों करते हैं और ये क्या होता है वो भी समझ में आ गया कि उस समय ये काम किसका कर रहा होता है ये काम कर रहा होता है एडजेक्टिव का और यह काम कर रहा होता है नाउन का यह एक्टिविटी की बात है कि भाई इसको कभी भी ये नहीं समझ लेंगे आपकी ये वर्ब है अगर नाउन है तो कहने का क्या मतलब ये जिरंड के तौर पे इस्तेमाल होता है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई सभी को एवरी वन इज क्लियर विद दिस ना अब जरा आ जाइए जो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हुई थी अब शायद आप उतना तैयार हो चुके हैं कि आप इसको संभाल लें आई एम यूज टू अब आपको पता है कि यूज टू के पहले एम लगा हुआ है तो आप किसके साथ जाओगे अटेंडिंग के साथ जाओगे यहां एक्टिविटी वाली बात आ गई ही वॉज यूज टू अगेन सेम कहानी है यूज टू अगेन एडजेक्टिव के तौर पे इधर वॉज पास्ट टेंस में चला गया कोई दिक्कत नहीं अगेन यहां पे भी आप विजिटिंग के साथ जाने वाले हैं यानी मैं इस जगह को विजिट किया करता था वी यूज टू प्ले हॉकी यहां पर आप मॉडल वर्ब है टू प्ले के साथ जाओगे और यू नीड नॉट लिखा हुआ है अभी आपको बताया क्योंकि जबान से टू गो निकल जाता है हम चले जाते हैं उसके साथ ठीक है इज इट क्लियर अब आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन सेंटेंसेस दूं आपको मैं तो ये कहानी आपको पता लग गई कि भाई ये क्यों काम करता है कैसे काम करता है आ, और इसमें एक केस और भी पैदा होता है जो इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस हो जाता है तो उसको भी देख लेते हैं हां जी मैं सेंटेंसेज आपको दे देता हूं जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको ऐसा मिलता है कि दिस नाइफ This knife was used to kill or killing him. कुछ और सेंटेंसेस स थ्री सेंटेंसेस यू हैवे सर अभी तो फॉर्मूला आपने बताया फिर ये क्वेश्चन दे दिया ये तो बड़ा आसान है हम फटाफट कर लेंगे सर अभी तो आपने कहा है कि यूज टू के पहले बी फॉर्म का वर्ब आए तो उसके बाद हम वी वन प्लस आई एनजी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है और जो आप देख रहे हैं ऐसा भी नहीं है यहाँ कहानी पलट गई राइट तो अब जो पहले यहाँ पे अंडरलाइन किया मुझे वो भी हटाना पड़ेगा कि आप यहाँ आँखें पूरी देख पाए कि यहाँ कहानी क्या है देखिए यहाँ पे आप टू किल के साथ जा रहे हैं प्रिपेयर के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है आप गेटिंग अप के साथ जा रहे हैं अब ये दोनों सेंटेंसेस जो इस वाली स्लाइड में वैसे नंबर हमें और देना चाहिए ना कितने सेंटेंसेस हो गए थे पीछे चार थे पांच थे पहली वाली स्लाइड में उसके आगे की बात कर लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज कर दें खैर चलो उसमें क्या रखा है नंबरिंग में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ये जो दोनों सेंटेंसेज हमारे ये अलग तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं यहां आपको समझना पड़ेगा कि यूज का इस्तेमाल यूज टू का इस्तेमाल यहां एडजेक्टिव के तौर पे नहीं हो रहा है यूज का आप एक सिंपल सा मतलब बचपन से जानते हैं जिसका मतलब होता है प्रयोग होना प्रयोग करना और या, इन दोनों सेंटेंसेस में ये इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि इस चाकू का प्रयोग हुआ है उसको मारने में और राइस फ्लोर का इस्तेमाल होता है इस रेसिपी को प्रिपेयर करने में तो यहां प्रयोग वाली बात है इस्तेमाल वाला सेंस है यहां एडजेक्टिव वाला या पास्ट की हैबिट वाला बिल्कुल भी सेंस नहीं है तो यूजड टू के आपको रंग समझ में इधर आ रहे हैं ये बात जो है ये पैसे वाइस में कही जा रही है एज सिंपल एज दैट इस चाव, इस चाकू का इस्तेमाल हुआ था उसको मारने में या चावल के आटे का इस्तेमाल होता है इस रेसिपी को बनाने में राइट तो इधर यूज टू प्रिपेयर यहां सिंपली ये जो है ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर यानी ये टू जो है वो यूज का पार्ट नहीं है इस बात का ध्यान रखिए ये टू प्लस का पार्ट है जैसे कि आप किसी भी सिंपल वर्ब के साथ टू प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं मेन वर्ब के तौर पे तो वही वाली बात कि यहां प्रयोग वाले सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो आपको तीन बातें समझ में आ गई यूज टू के हवाले से कि यूज टू का इस्तेमाल जो है वो हम प्रयोग वाले सेंस में अगर कर रहे हैं तो वहां वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी कि यूज टू के बाद वीवन प्लस आई एनजी लगाओ वहां यूज अलग है टू प्लस वीवन एक साथ है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया होता है लोग टू को विवन के साथ जोड़ रहे हो कि टू के साथ यूज है तो जब यूज टू है तो वो आपका इन्फिनेटिव के तौर पर सॉरी कह रहा हूं वो आपका मॉडल वर्ब के तौर पे काम करता है आ, फिर आपने एडजेक्टिव वाला प्रयोग भी देख लिया ये प्रयोग होने वाला है यहां कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव बना लिया आपने यहां पर हम सुबह जल्दी उठने के आदती नहीं है यह इसका मतलब हो गया तो जैसे आप कोई भी कंफ्यूजिंग वो जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाते हो आई एम नॉट कंफ्यूज्ड आई एम नॉट कन्फ्यूज ही बहुत खुश हैं बैच की डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा तो आइए आज का जो सेशन है हमारा दिस इज़ द फोर्थ सेशन ऑन वर्ब एंड टेंसेज और हम यहाँ पे क्वेश्चन करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्टिविटी भी साथ ही साथ कर रहे हैं सो so, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेज अगर आप कॉम्पिटिटिव uh, एग्जाम्स की बात करो अगेन दिस इज़ द एरिया जहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं और uh, अगर ना भी मिलें डायरेक्टली तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है आम बोलचाल में इवन लिखने में पढ़ने में बोलने में और कई बार इनके स्ट्रक्चर को लेकर के हमें क्लैरिटी नहीं होती है सो इन टूडे सेशन वी विल डिस्कस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट बिफोर दैट डिस्कशन आई वॉन्ट टू लेट यू नो दोज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज बिकॉज ये बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक है जिसको कहते हैं ना इनकी बिल्कुल फिक्स्ड है एक फिक्स्ड साइज स्ट्रक्चर है और अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हो कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है कहां पे गलती हुई है इसको सही तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं आवाज नहीं आ रही है हेलो 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 आवाज तो आ रही है ना आपको हेलो कुछ आवाज में दिक्कत है हेलो चलो ठीक है तो किसको आवाज नहीं आ रही थी भाई आवाज आ रही है ना ठीक है तो आइए शुरू करते हैं आपको समझ है इस टॉपिक की इज इट क्लियर टू यू नहीं सर हमें आप बताएं क्या है स्ट्रक्चर आ जाइए तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सॉल्व करने से पहले जरा इसकी गणित को समझ लो आप देखिए हमारे पास जब कंडीशनल सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो चार तरह के टाइप यूजुअली मिलते हैं टाइप वन कैसा है टाइप वन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है एक ऐसा सेंटेंस जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पैटर्न पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जैसे आपको अगर कहा जाए कि इफ यू स्टडी इफ यू स्टडी प्रॉपरली फ यू स्टडी प्रॉपरली यू कैन क्लियर एनी एग्जाम इजिली ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है अब कंडीशनल सेंटेंस आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर इफ या अनलिस जैसे कंजंक्शन आपको देखने को मिलते हैं अब एक और अगर सेंटेंस लिखो मैं यहीं पर कि जोगे ज्ञान आपको बचपन से दिया गया कि इफ यू वर्क हार्ड फ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस यू विल गेट सक्सेस दो पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है क्या नजर आ रहा है यहां पर यह हमें नजर आ रहा है कि जो इफ वाला क्लॉज है दैट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस ये सर नो इट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ वाला क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो दूसरा मेन क्लॉज है बिकॉज ये कंडीशनल क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अपना मतलब खुद में नहीं बता सकता आप सेंटेंस पढ़ के देख लें अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो भाई क्या होगा मेरे साथ मीन्स वॉट दिस क्लॉज इज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन पुटिंग फॉरवर्ड इट्स मीनिंग दैट्स वाई इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज इसीलिए इसको मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हम बोलते हैं तो जो भी कंडीशनल क्लॉज होता है जिसमें इफ लगा हुआ है अनलेस लगा हुआ है वो हमेशा ही क्या होंगे डिपेंडेंट ही होंगे तो खैर जो डिपेंडेंट क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है उसको हमने प्रेजेंट में लिखा और कई बार स्टूडेंट ये रट लेते हैं कि मेन क्लॉज में विल का इस्तेमाल होता है इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट और इधर सब्जेक्ट प्लस विल बट इस बात का ध्यान रखें आप मैंने यहां पर विल दिया और एक कैन दिया है यहां पर विल और कैन

विल शैल मे या कैन कोई भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि मॉडल का मतलब पिछली क्लास में आपने समझा था मूड शब्द से इसका जन्म हुआ है यानी जिस तरह का मूड आप पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं जो बात आप बताना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल वर्ब वहां पे चूज कर लोगे तो इस बात का ध्यान आपको रखना है ये बिल्कुल fixed सा स्ट्रक्चर है इसमें कहीं इधर उधर नहीं जाना अब Uh, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हम uh, इस सेंटेंस को और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको रीस्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है जैसे आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि यू विल गेट सक्सेस यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड यू शुड हैव दिस क्लैरिटी बिकॉज ये बात ध्यान में रखनी है कि इफ यहां पर कंजंक्शन है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन इफ यू वर्क हार्ड ठीक है तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो मेन क्लॉज है वो पहले आ गया और जो आपका सब क्लॉज है वो बाद में आ गया है तो आपको एक्चुअल सेंटेंस ऐसा भी मिल सकता है तो इस बात का ध्यान रखें यहां पे पजल ना हो कि ये क्या हो गया सो व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अंटेंस कंजंक्शन यू यूज कॉमा इन बिटवीन एंड व्हेन कंजंक्शन कम्स इन बिटवीन आपको वहां कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो यह हो गया आपका टाइप वन ठीक है पॉसिबल कंडीशनल भी बोलते हैं हम इसे बट नॉम के चक्कर में आपको फंसने की जरूरत है नहीं सच आप पे फोकस करें टाइप टू क्या है हमारा वॉट इज टाइप टू टाइप टू का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान कोई कोई सेंटेंस बताने जा रहा है टाइप टू के लिए क्या कहानी होती है अगर आपने कुछ इस तरह का सेंटेंस लिखा कि इफ शी वन शी वन अ मिलियन डॉलर शी वुड गो फॉर अ वर्ल्ड टूअर एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहां पर फिनिश हो जाएगा आज कंप्लीट इफ शू वन अ मिलियन डॉलर शी वुड गो फॉर अ वर्ल्ड टूअर क्या नजर आ रहा है आप देख लें यहां पर शी वन अ मिलियन डॉलर वन वो आपकी सेकेंड फॉर्म है यानी इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है और यहां भी विल का पास्ट फॉर्म आपको नजर आ रहा है is, और यहां से आप खुद ही फॉर्मुलेट कर सकते हो इसको कि अगर हम टाइप टू की बात करें तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा और जो मेन क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल वर्ब जिस तरीके का मूड है सेंटेंस का यानी वर्ड कुड माइट शुड आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं और उसके बाद ये मॉडल वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो दिस इज द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप टू स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस राइट इफ क्लॉज विल ऑलवेज बी इन पास्ट एंड द मेन क्लॉज विल हैव वुड कुड शुड माइट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगेन इनको uh, इनकी प्लेसमेंट क्लॉजेस की कैसे भी हो सकती है जो पिछले वाले केस में आपने देखा इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शुड गो फॉर अ वर्ल्ड इफ वन अ मिलियन डॉलर्स सो दिस इज टाइप two नाउ what इज टाइप three दैट इज pretty इंटरेस्टिंग और बहुत देखने को भी मिलते हैं आपको sentences इसमें इसको हम कहते हैं impossible कंडीशनल स्ट्रक्चर कुछ किस तरह का है जैसे कहा जाए कि इफ ही हैड prepared वेल इफ ही हैड प्रिपेयर्ड वेल ही कुड हैव ही कुड हैव performed He 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 could 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 have 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 performed 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 much 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 better. 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 Now look at this sentence. This sentence. belongs to type 3. If he had prepared well, he could have performed much better. What is Hindi anuvad of this? क्या है हिंदी अनुवाद की अगर उसने ढंग से तैयारी करी होती तो और अच्छा परफॉर्म कर सकता था डेफिनेटली आप ये बात तब कहते हो जब उसकी परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है यानी जिस एग्जाम के बारे में ये बात हो रही है उस एग्जाम में अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता सो वेन एवर यू मेक एनी सेंटेंस इन इम्पॉसिबल कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जा रहा है तो इसका मतलब अब वो काम नहीं हो सकता वो बात हाथ से निकल चुकी है तो यहां पे आपको स्ट्रक्चर साफ साफ नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है क्लॉज है वो कौन से टेंस दिस इज पास्ट परफेक्ट दिस इज पास्ट परफेक्ट और यहां पे आपको अगेन कहानी नजर आ रही है अब सिर्फ कुड नहीं रहा कुड हैव लग गया और जब कुड हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग जाएगी और अगेन बाकी के भी मॉडल वर्ब्स इसी तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं शुड हैव उड हैव माइट हैव जैसी आवश्यकता है यू कैन सिंपली यूज दैट तो एक जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर सिंपल सा स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है कि भाई जो हमारा इफ वाला क्लॉज है वो किसमें होगा इफ वाला क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा तो इधर की अगर हम बात करें तो इधर कहानी क्या हो रही है सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट या शुड प्लस हैव इसीलिए सारे एक साथ मैंने लिख दिए क्योंकि सभी के साथ हैव आ जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप थ्री राइट अगेन ये प्लेसमेंट uh, जो है आगे एक दूसरे की जगह पे हो सकती है लाइक like, आप मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं वाली क्लॉज दूसरी जगह लिखी जा सकती है एक इसमें छोटी सी बात और भी आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या कि इस बात को जो गिवन सेंटेंस है हमारा इसको रिफ्रेश करने का एक और भी तरीका है हम इस बात को और कैसे कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं इस तरीके से भी कि हेड ही हैड ही प्रिपेयर वेल had he prepared well he could have performed he could have performed much better right so what you find over here if he had prepared well this clause can also be written as in this manner ये कोई इंट्रोगे नहीं है दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई बार ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि नहीं हमने तो बचपन से जब भी हेल्पिंग शुरू करते हैं दैट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जब सेंटेंस है तो आप इंट्रोगेटिव कहोगे दिस इज नॉटेंस इट्स क्लॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अटेंस एंड वेन एवर यू स्टार्टेंस विद है वो क्लॉज है आप देख रहे हो कॉमन उसके इधर लिखा है कॉमा के दूसरी तरफ दूसरा क्लॉज लिखा है तो जब भी ये क्लॉज ऐसे लिखा जाएगा ये ये क्या होगा ये होगा कंडीशनल सेंटेंस अब इसमें इसमें थोड़ी सी कहानी कहानी और बदलती बदलती है है इस तरीके से बिकॉज़ आप वॉयस का भी खेल आ जाता है थोड़ा सा जैसे आपने कई बार सुना होगा इस तरह का सेंटेंस दिस शुड बैक

तो वॉइस की भी एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए थोड़े से अच्छे लेवल के सेंटेंसेस में कई बार यहां पे फंसा दिया जा सकता है अगर आप इसको बस मगअप करके जाओगे रट के जाओगे तो लाइक इट इज एप्सोल्यूटली एविडेंट ओवर दैट इन द गिवन सेंटेंस बोथ द बोध आर रिटर्न इन एक्टिव वॉयस दोनों के दोनों क्लॉजेस किसमें लिखे गए हैं एक्टिव वॉयस में लिखे गए हैं? हैं यहां पर चार तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दोनों एक्टिव वॉयस में है दोनों क्लॉजेस पैसिव पैसि में भी हो सकते हैं दोनों क्लॉजेस पैसे वाइस में भी हो सकते हैं राइट दोनों clauses में से एक क्लॉज एक्टिव में दूसरा पैसे में और पहला पैसिव में दूसरा एक्टिव में मतलब ये चार वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा इसके एग्जांपल्स राइट मैं अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा आपके लिए आप चाहिए तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अभी भी कोई लिखना चाहेगा अभिषेक कह रहे हैं इनवर्जन नहीं इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अलग है उसको इसके साथ थोड़ा मिक्स नहीं करना डेफिनेटली इन्वर्जन का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है बट जो रूल ऑफ इन्वर्जन हम यूज करते हैं जहां पे हेल्पिंग वो पहले आता है तो ये जो कंडीशनल में है यहां पे आप इस्तेमाल देखते हो बट मैंने इनवर्जन आपको मॉडिफायर्स में बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ाया हुआ है मुझे बताएंगे आप सेंटेंसेस या आगे बढ़ सकते हैं जैसे सलीम खान साहब का एक पेपर में डायलॉग डायलॉग क्या है कि स्टेटमेंट आया था जब एक फिल्म फ्लॉप हुई थी दैट वाज uh, मतलब उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी सलमान खान की और वो फिल्म थी आपकी ट्यूबलाइट तो उस समय ये एग्जाम्पल uh, ये स्टेटमेंट आई थी कि समवन एल्स अ सक्सेसफुल मूवी सो दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय सलीम खान हेट दैट मिस्टर सलमान खान डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज आप उनको जब उस तरह के रोल में लेके आओगे तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी इसीलिए कहा गया अगर किसी और को फिल्म में लिया गया होता तो फिल्म सफल हो गई होती नाउ बोथ द बोध आर रिटर्न इन वॉट इन पैसे सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिकॉज आपको यह समझ होना चाहिए कि वेन यू राइट समथिंग इन एक्टिव वॉयस एंड वेन यू राइट समथिंग इन पैसे वॉयस कब कौन सा वॉयस हम यूज करते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा एक लाइन में ध्यान में रखेंगे आप

उसमें लेन जिसको लिया जा रहा है उसका कोई खास रोल नहीं होता लेने वालों का होता है जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है जो फिल्म की डिमांड है जो एक्टर की इमेज है आर मल्टीपल फैक्टर्स आर फैक्टर्सिबल फॉर दैट सिलेक्शन तो दैट इज इन पैसे एंड अगेन फिल्म कोई डूअर नहीं है फिल्म अपने आप से नहीं हिट हो जाएगी फिल्म को हिट बनाया जाता है यानी लोग उसको देखेंगे तो फिल्म हिट होगी सो इन बोथ द क्लॉजेस इट इज दिटर्न इन वॉट इन पैसे तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है वॉयस का कि कई बार आपको इधर भी मिल सकता है लाइक like, uh, जो इफ वाला क्लॉज है वो पैसे वॉयस में दूसरा मेन क्लॉज में मेन क्लॉज राइट सो आइए अब हम टाइप फोर की तरफ बढ़ते हो सकते कुछ सेंटेंस आपको मिल जाए वहां पे हम डिस्कशन और कर लेंगे इसको लेकर के और टाइप फोर की भी बात कर लू मैं क्वेश्चंस आगे आपके सेट है बिल्कुल देखो टाइप फोर को हम बोल लेते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस और बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर ये भी है और बहुत बार ये कंफ्यूज भी करता होता है जैसे कोई कहे कि फाइव वर यू इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर व्हाट इज द हिंदी अनुवाद ऑफ दिस कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता राइट right. अब ये ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कारण ये है कि यहाँ पे वर जो लिखा हुआ ये कई बार गले के नीचे उतरता नहीं हमें लगता है यार ये एरर है यहां पे आई लगा हुआ वर कैसे लगा दिया बट ये ध्यान रखें आप जो भी हमारे हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं बिकॉज मैं तुम नहीं हो सकता तुम अलग हो मैं अलग हूं लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता दैट्स द सेंस ऑफ सेंटेंस सो मैं तुम्हारी जगह होता मैं तुम होता तो तुम तो हो नहीं सकता ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ऐसे हालात में ऑफ इफ दब्जेक्ट मीन्स वो एवर दी है यू है, है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो विल ऑलवेज बी वर इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक दूसरी बात और भी होती है जो प्रोनाउन के चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि भाई ये वाला जो केस है हमारा ये हमेशा कौन सा होगा

पसंद नहीं है उसने मना कर दिया वो आकर के आज आपको बता रहा है कि यार कल मेरे कॉलेज में एक प्लेसमेंट ड्राइव थी एंड आई वाज ऑफर्ड विद दिस पर्टिकुलर जॉब बट आई डिक्लाइन दैट ऑफर अब आप ये कह रहे हैं कि फाइव वर यू आई वुड एक्सेप्ट दैट ऑफर तो ये एक तरह से अभी की इमेजिनेशन है प्रेजेंट हाइपोथेसिस आप उसकी जगह पर अपने आप को रख रहे हैं आप हो तो ही जाएंगे यार क्या बेवकूफी कर दी तुमने अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ऑफर ले लेता पैसा इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर वो कंपनी तुम्हें बहुत सीखने का मौका देती है तुमने गलती कर दी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने वो जॉब मैं वो जॉब ले लिया होता लेकिन मान लो वही दोस्त आपका पांच साल पुरानी घटना का जिक्र कर रहा है कि पांच साल पहले वो कॉलेज में था पांच साल पहले उसको जॉब ऑफर हुई थी ऐसे ही और उसने उस समय मना कर दिया था अब आज वो घटना आपको सुना रहा है आज के समय में तो आप फिर क्या बोलेंगे कि इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है तब राइट right? तो जनरल स्ट्रक्चर तो ऐसा ही देखने को मिलता है बट वही बात है, ये थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन है इफ आई हैड बीन यू इफ आई हैड बीन यू क्योंकि अब एक पास्ट की इमेजिनेशन है आई वुड हैु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर दैट्स द करेक्ट स्ट्रक्चर देन राइट सो दिस इज द

वादा करना पच्चीस क्वेश्चन है पूरा नंबर लेके जाना है क्लास से हैड ही डन हिज होमवर्क वेल ही वुड नॉट दिस इज इज एनी प्रॉब्लम नो नो नॉट एट ऑल टाइप बताते चलो कौन सा टाइप है ये अभी जिसको हम डिस्कस करके हटे हैं दिस इज टाइप थ्री और आप खुद ही देख रहे हो यहां पे शुरुआत किससे हो रही है हेड से हो रही वही जो अभी हमने बात करी है इनवर्जन वाला मामला कि भाई यहां पे शुरुआत हेड से हो रही है मतलब क्या हुआ अगर उसने अपना होमवर्क ढंग से किया होता तो उसे इस तरह की एम्बेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता दैट इज द हिंदी अनुवाद एज वेल एंड ये मैं हिंदी अनुवाद जो बोल रहा हूं वो इसीलिए है बिकॉज वॉट एवर आइडिया यू हैव इमोशन फीलिंग्स यू यू हैव शुड फील कंफर्टेबल इन पुटिंग फॉरवर्ड दैट फीलिंग इन इंग्लिश सेंटेंस करेक्टली स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए राइट right? तो अभी नेगेटिव कर दो कोई दिक्कत नहीं है ही वुड नॉट दिस हैसमेंट दोनों बातें एक्टिव में लिखी हैं क्योंकि वो खुद जिम्मेदार है उसने होमवर्क नहीं किया एंड ही वुड नॉट दिस हैसमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन नो एरर था यहां पर इफ यू हैड रेड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली वॉट डू यू से इफ यू हैड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुल यूड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली अगर तुमने रेलिवेंट लिटरेचर ढंग से पढ़ा होता तो तुम ज्यादातर क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करके आते इसका मतलब उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी और करेक्ट नहीं कर पाया तभी तो इम्पॉसिबल कंडीशनल है अगेन देर इज नो एरर एट ऑल यहां पे इफ वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इफ यू हैड रेड द रेलिवेंट स्ट्रक्चर केयरफुल यूड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली चलिए नेक्स्ट वन रीड इट आउट एंड टेल मी आई वुड हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक ऑफ साइनिंग द सेल डीड इफ माय एजेंट वुड नॉट हैव फोर वॉन्ड मी कहां पे एरर है कैसे करेक्ट करोगे नजर आ गया दीबा खुशी प्रिया हर्षित रोहित यस आप देखो इफ वाला स्टेटमेंट आपका बीच में आ रहा मतलब इफ वाला जो क्लॉज है वो शुरू नहीं कर रहा वो बीच में आ रहा है बीच उसकी हमने बात करी थी और आपको पता है कि इफ वाले क्लॉज के अंदर आप उड का इस्तेमाल कहीं देखा है आपने इफ प्रेजेंट इन डेफिनेट मेन क्लॉज में विल शैल मे कैन

आई वुड हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक ऑफ साइनिंग द सेल रीड मुझसे फिर वही गलती हो जाती गनीमत यह थी कि मेरे एजेंट ने मुझे पहले से इस बात के लिए सचेत कर दिया था अगेन दिस इज टी थ्री टाइप थ्री है यह आइए हैड ही नॉट रीज इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन ऑपरचुनिटी विच कम्स वन इन अ वाइल हैड ही नॉट रीज इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन ऑपॉर्चुनिटी विच विच कम्स Once in a while, is there any problem? No error. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं एक छोटा सा ज्ञान मैं आपसे लेना चाहूंगा यहां पे विच कम्स वंस इन अ वाइल्ड व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इज दिस इट्स अ नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज और एड क्लॉज व्हाट डू यू थिंक डेफिनेटली आई लव दिस कॉन्फिडेंस देर इज नो एयर एट ऑल हैड ई नॉट रीच इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड द गोल्डन ऑपॉर्चुनिटी दिस इज टाइप थ्री सो विच कम्स वंस इन अ वाइल्ड इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट इज नाउन फ्रेज और जो भी नाउन नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करेगा दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव सो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई वॉज ही यहां पढ़ते ही आपकी जबान रुक जाएगी अभी देखा है आपने दिस इज टाइप फोर वॉज विल बी रिप्लेस्ड विद वर और जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा पूरक होगा दैट शुड ऑलवेज बी रिटर्न इन सब्जेक्टिव केस यहां पे ये यह बिल्कुल ठीक है देख रहे हैं आप कि भाई इफ आई वर ही दिस इज सब्जेक्टिव केस अगर मैं उसकी जगह होता आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट वन इफ यू हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली वुड नॉट हैव द क्वेश्चन रॉन्गली लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू नो ये बड़ी दिक्कत होती वुड हैव कुड है, कहा बीन लगेगा कहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे व रेड आपकी जबान यहीं रुक जाएगी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको पता है इफ वाला क्लॉज कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं था ना पास्ट परफेक्ट में था और इधर दिख रहा है आपको वुड नॉट हैव सो ए पार्ट में प्रॉब्लम था हैव को आपको हैड से रिप्लेस करना है इफ यू हैड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली यू वुड नॉट हैव द क्वेश्चन रॉन्गली अगेन कौन सा टाइप है टी थ्री इफ ही हैड वॉकड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस कहां करेक्शन करोगे आप इंटरेस्टिंग टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक इफ ही हैड वॉकड फास्ट यानी इफ वाला क्लास पास्ट परफेक्ट में है तो भाई विल गेट कैसे आएगा तो टाइप वन का स्ट्रक्चर दे दिया मेन क्लॉज में तो यहां पे किसके साथ जाने वाले हो ई e के बाद क्या लिखोगे आप इस पूरे को किससे रिप्लेस करने वाले हो इसको आप रिप्लेस करने वाले हो वुड हैव गॉट से वुड हैव गॉट द बस इफ यू हैड बॉक्ट पास यानी उसकी बस छूट चुकी है छूटने के बाद आप ये बात कह रहे हैं तो अगर वो थोड़ा और तेज चला होता तो उसको उसकी बस मिल गई होती अगेन दिस इज टी थ्री टाइप थ्री नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस आवर नेबर्स हैड रिपीटेड द सेम एल लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इफ वी हैव नॉट ब्रॉड्स टू देअर नोटिस येस

फैक्ट्स टू देर नोटिस अवर नेवर्स वुड है उन्होंने फिर वही सेम इॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज करी होती अगर हम फैक्ट तो उनके नोटिस में लेके नहीं आए होते दिस इज टाइप थ्री टाइप थ्री में ही ज्यादा मुश्किल आती है इसीलिए मैंने आपको बताया वो चारों वेरियंट आप ध्यान में रखेंगे इन टाइप थ्री ऑल द फोर वेरियंट यू शुड रिमेंबर यू नीड नॉट मग अप रिटर्न इन लाइक पास्ट परफेक्ट नहीं है ये बेसिक स्ट्रक्चर है जहां दोनों आपके एक्टिव वॉयस में है। जो हमारा वेरिएंट नंबर टू है उसमें दोनों पैसे में हो सकते हैं वेरिएंट नंबर में इफ वाला एक्टिव में हो सकता है मेन पैसे में हो सकता है और वेरियंट नंबर फोर में इफ वाला पैसे में हो सकता है और मेन क्लॉज एक्टिव में हो सकता है और वेन यू रीड न्यूज पेपर मैगजीन यू नो और एनी राइटअप जो भी कुछ पढ़ते हो आप वहां पे ध्यान देना आगे से इन बातों पे कि कौन सी बात एक्टिव में है कौन सी पैसिव में अब जैसे कोई नालायक सा बच्चा अपने माँ बाप पे ठीक फोड़ रहा हो अपनी असफलता का और वो कह रहा हो कि माय फादर हैड सेंट मी टू अ कॉन्वेंट स्कूल माय फेट वुड हैव बीन चेंज्ड कि अगर मेरे पिता ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा होता तो मेरा भाग्य बदल गया होता इफ माय फादर हैड सेंट मी इफ वाला क्लॉस तो एक्टिव वायस में है बट माई फेट वुड हैव बीन चेंज्ड

so i if i would have realized this is incorrect if i had realized same kahani if i had realized what a bad shape our library is in kitne bure halat mein meri library hai agar mujhe ye baat realize hui hoti to maine zarur kuch main kiya hota is deterioration ko rokne ke liye arrest the deterioration ka wahi hai matlab कि भाई deterioration जो हो रही है building जो खराब हालात में है आप उसको रोकते this is again what type थ्री next question

इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना राइट दिस इज एडवोबियल फ्रेज ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है यहाँ पे। तो आई वुड हैव हेल्प्ड, बस ये ध्यान में रखनी है बात आपको इसको हेल्प्ड कर दोगे तो अगर पता हुआ रहता मुझे तो मैं जरूर तुम्हें मदद किया होता ये आपने करेक्शन यहां पे करना है ये टाइप टू का जो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर है वो टाइप टू दे दिया और कंडीशनल टाइप थ्री था दे नाउ क्लेम दैट दे वुड हैुड हैव रिक्वेस्टेड अब यहां देखो कहानी क्या है यहां पर आपको कंडीशनल कहां से देखना है कंडीशनल की शुरुआत दैट के बाद वाले क्लॉज में हो रही है इतने पार्ट से कोई लेना देना नहीं है और आप इधर क्या देख रहे हो जहां से शुरुआत हो रही है इफ वाला क्लॉज किस में लिखा हुआ वी वुड हैव तो तुरंत आपकी ज्ञान चक्ष जल जाएंगे आंखें खुल जाएंगी कि भाई इफ वाले क्लास में हैव की जरूरत ही नहीं है यहां पे हैड आ जाएगा उड हैव तो यहां दिया ही हुआ है अगेन दिस इज व्हाट टाइप थ्री इफ वी हैड रिक्वेस्टेड देम दे वुड हैव अस अगर हमने उनको रिक्वेस्ट किया होता तो उन्होंने हमें गाइड किया होता वो ऐसा क्लेम करते हैं अब सो so, यहां पर अगेन दिस इज टाइप थ्री बताइए i would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home and awake क्या दिख रहा है i would have asked him to leave our house immediately मैंने उनको कहा था, भैया घर छोड़ निकल जाओ बस तुरंत अगर मेरे पिताजी घर पे नहीं होते और जगह नहीं होते अब पिताजी थे थोड़ा तो सम्मान कर लिया नहीं तो मैं उसको तो तुरंत भगा दिया होता अपने घर से that's the sense out here so if my father would not have been this is incorrect अभी जानते हैं आप.

Uh, कल तक हमने ग्रामर प्राइमर पढ़ा है जहां पे मैंने फ्रेज क्लॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करें वर्ड्स को पहले समझा फिर फ्रेज को समझा फिर क्लॉज को समझा जो भी स्टूडेंट्स अगर वहां से देख रहे होंगे इन क्लासेस को तो उनको बात समझ आ रही है ये बहुत जरूरी है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों आप अगर एक सेंटेंस के टुकड़े नहीं पहचान पाते तो जस्ट टिप्स और ट्रिक्स से काम नहीं चलता अब जैसे यहां पर देखो आप टोल्ड मी इतने से कोई लेना देना नहीं है ये कंडीशनल क्लॉज नहीं दैट के बाद कहानी शुरू हो रही है ही वुड नॉट टॉक टू मी इफ आई डू नॉट अटेंड टू व्हाट ही सेड अगर मैं आपसे अब ये व्हाट ही सेड क्या है दिस इज नाउन क्लॉज ये नाउन क्लॉज है जो काम किसका कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपजिशन यहां प्रिपोजिशन क्या है टू राइट सो उतने पार्ट की अगर आप बात करो अगर पूरा पूरा देख रहे आई डू नॉट अटेंड टू वॉट ही सेट तो वो पूरा का पूरा आपका जो हो गया अगेन नाउन फ्रेज है जो कि अटेंड के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और वहां टू इन्फिनेटिव जैसा होगा तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी लैंग्वेज की तभी बढ़ती नहीं तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे यार ये सेट आ गया ये किसका पार्ट है ठीक है so, सो खैर अब इधर आ जाइए क्या दिख रहा है आई डू नॉट अटेंड लिखा हुआ है उधर लिखा है ही वुड नॉट टॉक टू मी तो डू नॉट अटेंड यहां पर ठीक है क्या क्या होना चाहिए

Had you indicated your choice clearly, this confusion would had been avoided. Had you indicated your choice clearly, अगर तुमने अपने choice को लेकर के clearly indicate कर दिया होता, तो this confusion would had been कभी देखा ही है would के बाद had been तो इस confusion से बचा जा सकता था। अब आप देखो, अभी जो आपको बात मैंने कही थी यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? ये type three है। कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में और टाइप थ्री का कौन सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली ये तो आपका एवी में लिखा में है मैं वही कह रहा था कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आई जाएगा और इधर देखिए जो मेन क्लॉज लिखा है दिस कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड यहां वो वाली गणित आपको नहीं दिख रहे would have, could have, 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 के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव और अवॉइडेड के बीच में क्या आ गया बीन आ गया बिकॉज यहां पे एक्शन के ऊपर फोकस है कौन उस कंफ्यूजन से बचाता इसकी बात नहीं हो रही कहा जा रहा उस कंफ्यूजन से बचा जा सकता था राइट सो दिस कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड यानी क्या पता लग रहा है कि ये जो आपका क्लॉज है पूरा का पूरा यह किसमें लिखा गया ये पैसे वैस में लिखा है तो मैं वही कह रहा था अब कोई रटा हुआ बच्चा कहे नहीं नहीं वुड हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती बीन हटा दो आंख मूद करके सेंटेंस नहीं पढ़ना एवरी कॉन्सेप्ट एवरी कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर फॉर दैट मैटर इन जनरल फॉर दैट मैटर इज इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट हर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट पे होता है कॉन्टेक्स्ट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो हैड यू एनकरेज हिम इन हिज एंडेवर ही वुड हैड सक्सीडेड अगर तुमने उसके प्रयासों में उसे एनकरेज किया होता तो वो सफल हो गया होता तो हैड यू एनकरेज हिम इन हिज एंडेवर यहां तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है टाइप थ्री है Inversion वाला केस देख रहे हैं हैड नहीं हैव होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं टाइप थ्री से इफ आई वाज द किंग जबान यहीं रुक जाएगी ये बचपन में आप ऐसे लिखा करते थे स्कूल के दिनों में याद आ रहा है अगर मैं प्रधानमंत्री होता अगर मैं राष्ट्रपति होता अगर मैं राजा होता तो ये बिल्कुल वही है अब हो तो सकते नहीं फीलिंग ही लेनी है तो ले लो कोई बात नहीं इफ आई वर द किंग अगर मैं राजा होता तो ये हाइपोथेटिकल वाला केस है आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री वाई टाइप फोर वर वुड प्लस वी वन होन दैट देयर वॉज अ कैच इन ऑफर वी वुड नॉट है ये इट है ये है टाइपिंग का एरर। इसको इट कर दिया जाए कैसे किया जाए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यस बन गया इट चलो भाई हैड वी नोन दैट देयर वॉज अ कैच इन दफर अगर हमें पता होता है कि इस ऑफर में कुछ ना कुछ झोल है तो हम वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट राइट सो यहां कॉमा होना चाहिए कोई दिक्कत है यहां पर इज देर एनी एरर इन द सेंटेंस नो नॉट एट ऑल राइट नॉट एट ऑल नो एरर वेरी गुड इफ यू वुड हैव अरेन्ज्ड दीज रेड फ्लॉर्स इन अ वॉस टूगेदर Some white ones together. Some white ones with together with होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे. Together with some white ones. Sun का तो कोई मतलब ही नहीं है ना. They would have looked pretty. तो खैर एरर तो आपको नजर आ गया. एरर आपको यहीं पर नजर आ चुका है इफ वाला क्लॉज हैव तो होगा नहीं तो इस पूरे पार्ट को आप रिप्लेस करेंगे हैड से इफ यू हैड अरेंज्ड दीज रेड फ्लावर्स इन वॉश टुगेदर विद व्हाइट वंस राइट इन लाल फूलों को तुम कुछ सफेद फूलों के साथ अगर वॉश में अरेंज कर दिए होते दे वुड हैुकड प्रिटीत वो और सुंदर लगते you would have certainly completed the work in the allowed time had you planned it properly right so had you planned it properly you would have certainly completed the work अब देखो यही सारी चीजें ध्यान में हमें रखनी है अब खैर यहां कॉमा होना चाहिए ठीक है इस बात का ध्यान रखेंगे आप कंडीशनल क्लॉज बाद में लिखा जा रहा है मेन क्लॉज पहले है यूड हैव सर्टनली कंप्लीटेड द वर्क इन द अलाउट टाइम देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल सो देयर इज एनी एरर नो एर वेरी गुड If you would have told me earlier I would not have submitted my papers if you would have told me earlier I would not have submitted my papers अगर तुमने मुझे पहले बोल दिया होता तो मैंने मैं अपने पेपर सबमिट नहीं करता तो वुड हैव को आप रिप्लेस करेंगे हैड के साथ इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माय पेपर्स एवरी मैन इज कंडीशन बाय द एज इन व्हिच ही लिव्स And if he were to return to another age, he would not be happy. Every man is considered by the age in which he lives. And if he were to return to another age, he would not be happy. Now, again, same is इतने पार्ट से कोई लेना देना नहीं ये कंडीशनल नहीं है इट्स जनरल स्टेटमेंट कि हर एक इंसान होता है जिस समय का है वो जिस समय में वो रहता है उसका प्रभाव होगा उसकी जिंदगी के ऊपर उसकी कंडीशनिंग उसी तरीके से होगी सोचने समझने की ताकत समझ एंड के बाद कहानी शुरू हो रही है एंड इफ ही वर टू रिटर्न और अगर उसको रिटर्न होना हो किसी और एज में ही वुड नॉट बी हैप्पी सो अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल केस वर एंड वुड लगा हुआ है काम खत्म आपका देयर इज नो एरर एरर है क्या यहां पे नजर आ गया सो देर इज नो एरर और यहां पे अगर मैं पूछूं वर्ल्ड टू रिटर्न किस तरह का केस है तो बताओगे आप अगली क्लास मंडे वाली क्लास इसी से संबंधित होगी जो नॉन फाइनाइट्स आपको बहुत परेशान करते हैं अब आप मैं थोड़ा इधर इशारा करने की कोशिश करता हूं जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहां पे सेंटेंस की He is attending this function. ये एक sentence है। ये तो बात आपके गले नीचे उतर जाती है। बचपन से पढ़ रहे हो। But अगर वहीं पे sentence ऐसा लिखा हो, He is to attend. He is to attend this function. Now what is the difference in these two sentences? Someone who is not aware about the concept may say द सेकेंड वन इज इन करेक्ट सर ये कौन सी अंग्रेजी इज के बाद टू बट अगर आपको क्लैरिटी है फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हैं आपने एडवांस वो आपको ढंग से समझा है पढ़ा है नॉन फाइनाइट्स आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि ये इन्फिनेटिव है और यहां पे इंफिनेटिव का इस्तेमाल यानी टू प्लस वी वन का इस्तेमाल एज इन कॉम्प्लीमेंट हो रहा है पूरक के तौर पे हो रहा है

सो इमिनेंट मीन समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन कोई चीज जो घटित होने वाली है और क्योंकि ये नॉन फाइनाइट्स के अंदर आते हैं जिरंड जीरेंड एंड पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट है इनके ऊपर ना टेंस का फर्क पड़ता है ना सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है इसीलिए आप ये भी कह सकते हो लाइक यहां पे लिखा इफ ही वर खैर हाइपोथेटिकल है वो अगर मान लो इफ ही वॉच टू मैरी लिखा हुआ है कहीं ही वॉच टू मैरी इसका क्या मतलब वो शादी करने वाला था ही इज टू मैरी वो शादी करने वाला है तो किसी भी टेंस में आप टू प्लस वीवन का इस्तेमाल इस तौर इस पे कर सकते हैं तो खैर देर वॉज नो एरर हां जी यही मतलब होता है और इमिनेंट के साथ दो वर्ड और ध्यान में रखिए जो आप जानते भी हैं बट जस्ट जेंटल रिमाइंडर एमिनेंट एवरी वन इज अवेयर ऑफ ही इज एन एमिनेंट स्कॉलर एंड द सेकेंड वर्ड इज वॉर दैट इज इमानेंट इमान डू रिमेंबर दिस वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमानेंट

तो नेचुरल इननेट प्रॉपर्टी के लिए नेचुरल प्रॉपर्टी के लिए भी नेचुरल कोई चीज है नैसर्गिक है उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इमानेंट तो कई बार ये सेंटेंस में गॉड इज फुल स्टॉप सो इमानेंट इज द एडजेक्टिव दैट इज काइंड ऑफ डिस्क्राइबिंग द गॉड ऑल परवेडिंग नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स अगर तुम समय रहते वहां नहीं पहुंचते हम अपना सारा सामान खो दिए होते सो वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स नो एर ये नो कोई एरर है यहां पे? नो no एरर और अगेन अगर मैं पूछूं ऑल आवर बिलोंगिंग्स क्या है सो दिस इज नाउन फ्रेज कैसे पता लग रहा है भाई लॉस्ट वर्ब है वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया क्या खो, खो दिए होते तो यहां पे नाउन फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है आई वुड हैव द जर्नी मोर इफ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन नॉट है टाइम कह रहा है यार मैंने अपनी जर्नी ना ट्रेन की जर्नी बड़ी एंजॉय करी होती अगर मेरे बर्थ के नीचे वाले बर्थ पे जो आदमी था जिसने रात भर खर्राटे मारे अगर वो नहीं होता तो आई वु एंजॉय द जर्नी मोर इफ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वु नॉट है टाइम सो अगेन इफ आई आस्क यू दैट वॉट इज वॉट कैंड फ्रेज इज दिस ये चीजें बहुत ध्यान में आपको रखनी है अगर नहीं रख पाओगे समझोगे नहीं आप आ, जो भी नए लोग जुड़े हैं बैंकिंग स्पेशल बैचेस में पिछले भी एक दो दिनों में बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं आ, तो उनसे ये गुजारिश है कि कल सैटरडे संडे है नेक्स्ट दो दिनों में आप प्लीज पीछे के सारे लेक्चर्स देख लें क्योंकि यहां पर भी जब हमारी यूट्यूब पर मुलाकात होगी तो मैं ये चीजें पूछता रहूंगा आपसे तो अगर आपको पहचान है तो आप बहुत आसानी जवाब दोगे और अंग्रेजी की समझ बढ़ेगी जब समझ में आती है कोई चीज तो हमें फिर आनंद की अनुभूति होती है मजा आने लग जाता है अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैन इज द सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब यहां पे लगा हुआ है और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कहानी लिखी गई है ये ये क्या है दिस इज आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ये उस पर्टिकुलर इंसान को यानी उस आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम किस इंसान की बात कर रहे हैं जिसने पूरे रास्ते में खर्राटे भरे वो वाला आदमी जो कि मेरे बर्थ के नीचे था अब देखो ये माइन के अंदर क्या छुपा हुआ? हुआ है दिस इज पजेसिव प्रोनाउन इसके अंदर छुपा हुआ है माई बर्थ सॉरी बर्थ बी आर टी एच वाला बर्थ है ये बी आई आर टी एच तो जन्म हो गया तो मेरे नीचे वाले बर्थ के ठीक है सो आई वुड हैव एंजॉयड द जर्नी मोर मैने जर्नी इफ द मैन वुड नॉट हैव ऑल द टाइम सो खैर कोई एरर यहां पे नहीं है बट यहां पे इतने सारे डिस्कशन का स्कोप जरूर था ही वुड हैव लेंट मी अ पेन इफ ही वॉज नोइंग आई डेंट वन ही वुड हैव लेंट मी अ पेन उसने मुझे एक पेन उधार दे दिया होता इफ ही वॉज नोइंग आई डिंट है न्यू आपको दिख रहा है सॉरी इफ ही न्यू नहीं ये ही वुड हैेंट किस में है टाइप थ्री में है सो इफ ही हैड नोन इफ ही हैड नोन यानी यहां पर आप पास्ट परफेक्ट में जाओगे ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूस इफ ही हैड नोन आई डेंट अगर आपसे यहां से पूछूं यहां पे कि भाई मुझे ये बताओ आप कि ये क्या है वट इज दिस तो भाई ये अगेन आपका नाउन क्लॉज है नाउन क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कौन सा वर्ब इस नोन का ऑब्जेक्ट है कि अगर उसे इस बात का पता होता कि मेरे पास कोई पेन नहीं है तो उसने जरूर मुझे एक पेन उधार दे दी होती दैट्स द सेंस ऑफ हेयर If you were प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू एंड अनुप्लॉयमेंट बताए मुझे Priya, okay, I'll talk about the vocabulary on this channel as well. Don't worry about that. लेट्स कंप्लीट जो हमने शुरू करा इसको कंप्लीट करते हैं ग्रामर फाउंडेशन चल रहा था तो modifiers देखा आपने वर्ब और टेंस देख लो वर्ब की भी चार क्लास हो गई एक और क्लास लूंगा मैं मंडे को क्योंकि modifiers आपको बहुत सॉरी modifiers कह रहा हूं इट बहुत परेशान करते हैं एडवांस वर्ब को लेके मन में बड़ा डर है इसको भी लेके बड़ा डर था तो ऐसे सारे ये डर क्लियर करके फिर आगे फिर हम वो कैब पे या इंग्लिश पे जैसे आप चाहोगे यूट्यूब सेशन कर लेंगे डोंट वरी अबाउट दैट हाँ जी इज देर एनी एर आउटर इन द सेंटेंस इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉट स्टेप्स वुड यू टेक हाइपोथेटिकल है साफ साफ नजर आ रहा है अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो वुड यू हैव टेक नहीं उड़ लगेगा उसके साथ वो फर्स्ट फॉर्म ये एरर था यहां पे तो आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ब और टेंस का वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है वो है एडवांस वर्ब का जिनको हम नॉन फाइनाइट्स भी बोलते हैं तो आज के सेशन में ये जो एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसको पूरा हम समाप्त करने वाले हैं राइट और गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग एवरीवान सो so, आपका समय बचे मेरा भी समय बचे और आज पूरी क्लास में हम इस टॉपिक को समाप्त कर लें इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं और वो एक्चुअली मेरे जो फाउंडेशन बैच करियर वेलैब पे आता है जो मैं अपने बैच में पढ़ाया हूँ मैं बिल्कुल वही क्लास नोट्स आपके सामने यहाँ पे हैं सो so दैट कि लिखने में, में मेरा समय खराब ना हो और आप तक पूरा का पूरा टॉपिक पहुँच जाए तो ध्यान से आ, सुनना समझना और देखना है डाउट का स्कोप कहीं पे नहीं रहेगा राइट सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो नंदकिशोर जी सो नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं भाई वॉट आर नॉन फाइनाइट्स देखो इस शब्द को पढ़ते ही कुछ समझ में जरूर आपके आता होगा कि अगर हम वॉब की एक कैटेगरी को नॉन फाइनाइट्स कहते हैं सो so एक बहुत सिंपल सी बात है और बहुत ऑर्गेनिक बात है कि कुछ ना कुछ फाइनाइट भी जरूर होगा और हम बार बार फाइनाइट वर्ब की भी चर्चा करते हैं तो फाइनाइट वर्ब आप उन्हें कह रहे होते हो जो कि अपने सब्जेक्ट यानी उस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है जो टेंस है उसके द्वारा निर्धारित होता है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट फाइनाइट वर्ब और नॉन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इट्स सीजन प्रूफ वॉट एवर सब्जेक्ट इज द टेंस इज इसमें कोई बदलाव नहीं होता सो so, आइए समझते हैं कितने तरह के होते हैं नॉन फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स आपके पास हैं तीन जिरंड जिरफिनेटिव एंड पार्टिसिपल

और फिर आता है एक परफेक्ट पार्टिसिपल जिसका स्ट्रक्चर होता है प्लस की थर्ड फॉर्म जैसे आपने कई बार सुना होगा having said that, having done this, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो परफेक्ट पार्टिसिपल का है अब देखो कंफ्यूजन का स्कोप यहीं से शुरू हो जाता है अगर कोई पूछे ये आपसे कि भाई जिरन जो है ये भी व्यूएन प्लस आई है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी व्यू एन प्लस आई इन है और कहां पे ये काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे दैट कुड बी अ कंफ्यूजिंग पॉइंट तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि व्यू एन प्लस आई वर्ब का भी काम करता है आप इस बात को जानते हैं वीएन प्लस आई एनजी चाहे आप बात करो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पास्ट कॉन्टिन्यूस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या इन तीनों टेंसेज के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हर तरह के स्ट्रक्चर में आपके पास मेन वर्ब में आप आई एनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इनका फंक्शन जानना बहुत जरूरी है जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं ग्रामर फाउंडेशन सीरीज के अंदर दैट यू नीड नॉट मग अप एनी थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजीज इन इंग्लिश ग्रामर उनका रोल क्या है फंक्शन क्या है तो फंक्शन यह है कि और इंफेटिव को हम वर्बल नाउन कहते हैं यानी दिखते तो ये वर्ब जैसे हैं लेकिन काम ये किसका करते हैं नाउन का अब नाउन का फंक्शन क्या है वो आप जानते हैं वो सब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो सारा ज्ञान और प्रेजेंट पार्ट मतलब जो पार्टिसिपल का एरिया है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं अब आइए मतलब इसका जो रोल है वो एडजेक्टिव का है किस तरह का रोल यहां पे नजर आ रहा है और नॉन फाइनाइट डेफिनेशन को भी यहां अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है अब देखो जैसे बहुत सिंपल से सेंटेंसिस लिखे हैं आई अवॉइड स्पीकिंग टू हिम शी अवॉइड स्पीकिंग टू हिम एंड वी अवॉइडेड स्पीकिंग टू हिम अगर एक ले मैन को पूछा जाए जिसे आ, ना समझ हो अभी कि वॉट इज जर व्हाट इज इन्फेनेटिव नॉट अवेयर अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज उसको अगर पूछा जाए और ये बहुत सिंपल सा सवाल कई बार क्लास में पूछता भी हूँ मैं जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स आउट देयर इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वर्ब पहले सेंटेंस में ऐसे कितने शब्द हैं जो वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कई बार जवाब आता है सर दो शब्द हैं साफ साफ तो नजर आ रहा है अवॉइड है और स्पीकिंग है लेकिन आप जब ध्यान से देखते हो तो आपको क्या नजर आता है आपको नजर ये आता है कि इन तीनों सेंटेंस में ये वाला जो वर्ब है इसमें आप बदलाव देख रहे हैं इसीलिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ फाइनाइट वर्ब लिखा हुआ है आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई शी है तो वर्ब में एस सी एस लग गया और वी है तो यहां पे हमने पास्ट टेंस में कर दिया वी के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लगा दी यानी लगातार चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं और जो मैंने पहले कहा आपसे कि जो वर्ब अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है यहां पे आप देख रहे हो स्पीकिंग में कहीं बदलाव नहीं हुआ व्हाट एवर द सब्जेक्ट इज वॉट एवर द टेंस इज देर इज नो चेंज इन स्पीकिंग बट क्वेश्चन अभी भी वही है क्या स्पीकिंग वर्ब है क्या जवाब है नहीं वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है अगर कोई सवाल पूछे व्हाट डू आई अवॉइड मैं क्या अवॉइड करता हूं तो जवाब क्या होगा आई अवॉइड स्पीकिंग आई अवॉइड गोइंग आई I सिंगिंग आई I स्मोकिंग आई I avoid स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस जितनी मर्जी चाहे सेंटेंस बना लो आप इन सभी में क्या देख रहे हो अवॉइड का ये ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट है तो आ, काम किसका कर रहा है नाउन का काम कर रहा है बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है तो यहां पे ये स्पीकिंग इसीलिए क्या कहा गया ये नॉन फाइनाइट जरेंड है और एक चर्चा देखिए पिछले वाले स्लाइड में यहां पे हुई है हमने उसको डिस्कस नहीं किया क्या लिखा आई गो फॉर अ वॉक आई गो फॉर अ वॉक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है हम बोलते हैं और आई वॉक एवरी डे नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वॉक दोनों में क्या फर्क है कोई कहेगा सर फर्क क्या है ये तो वर्ब होता है इसमें क्या फर्क है बट कहां ये वर्ब है क्या यहां पे नहीं इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है और आर्टिकल का इस्तेमाल होते ही ये क्या बन गया ये बन गया नाउन और नाउन क्या होता है नाउन होती है एक्टिविटी सो देर इज अ डिफरेंस वर्ब में और नाउन में फर्क क्या है कि वर्ब हमेशा एक्शन की बात करता है और नाउन बात करता है एक्टिविटी की तो जो आप बचपन से ये सब कहते आ रहे हो, हो कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज इफ आई आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन दैट हाउ मेनी वर्ड्स आउट हियर इन द सेंटेंस दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वर्ब द आंसर इज वॉट अकेला इज है अकेला इज है जो वर्ब के तौर पे काम कर रहा है वो भी आ, कोई मेन वर्ब तो है नहीं लिंकिंग वर्ब है वॉकिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है कौन बनता है सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट अभी तक आपके ज्ञान के खजाने में था कि नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं उसमें दो टर्म और आप बढ़ा लेंगे नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है वो जिरण और इन्फिनेटिव भी होता है

अदरवाइज उसी वॉक को जब आप वॉकिंग कर देते हैं आपने कहा आई लाइक वॉकिंग सो वॉकिंग इज नॉट दर्ब दैट इज दर्ब लाइक आई लाइक वॉक लाइक इज द वर्ब वॉकिंग इज नॉट दर्ब दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक ये आपको समझना है ठीक है तो यहां पर आपको नजर आ गया ये इसीलिए लिखी गई है एक्टिविटी है ये अब इधर आ जाओ देखो आप we saw a a a moving 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 car, 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 I see a moving car, she has seen क्या नजर आ रहा है Again, जो हैं, है, उसमें आप बदलाव बदलाव देख रहे हैं. Past indefinite, present indefinite, present perfect. उसके अनुसार बट यहाँ मूविंग में कोई बदलाव नहीं है अगेन मूविंग नॉन फाइनाइट हो गया और अगर नॉन फाइनाइट है यानी ये सीजन प्रूफ है चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट हो जो मर्जी टेंस हो कोई बदलाव नहीं हो रहा तो हमें नॉन फाइनाइट में तीन ही है उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा और चूज तो बस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन में करना है क्योंकि उन्हीं दोनों का स्ट्रक्चर वी एन प्लस आई एन जी होता है तो इसीलिए यहां पे ये यह क्या कहा गया नॉन फाइनाइट है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बिकॉज हियर मूविंग इज नॉट एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट आर सब्जेक्ट दिस इज सिंपली यूज एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे कार नाउन है और ये एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है और अ आर्टिकल है जो कि एक नाउन फ्रेज के पहले लगा हुआ है एडजेक्टिव प्लस नाउन so so that's the case out here, right? So moving v1 plus ing but acting as an adjective. कहीं कोई ka scope नहीं रखना अब आइए यहाँ पे देखें आप और v1 plus ing के role कि आपको confusion हमेशा के लिए दूर हो जाए वो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई देखो v1 plus ing noun के तौर पे काम करेगा तो उसे नाम दोगे जिरण का एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो नाम दोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का और वर्ब के तौर पे काम जब ये करता है तो मेन वर्ब होता ही है इस बात से कोई इनकार नहीं आई हैव गिवन फोर सेंटेंसिस आउट हियर हीशनैलिटी ऑफ यू एन प्लस आई एन जी इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज रिटन लाइक शी लाइक्स डांसिंग हियर लाइक्स इज वर्ब डांसिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सो इट इज जिर्न एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट वहीं पे मैंने कहा अगर डांसिंग इज हर पैशन सो नाउ हियर डांसिंग इज बीइंग यूज्ड एज व्हाट as subject of the sentence. If someone asks you this simple question, what is her passion? Answer kya hoga? Dancing. So dancing, again, Jiran, acting as in subject. She is dancing gracefully. Now, here, dancing is used, dancing is being used as main verb. Is helping verb ho gaya, wo gracefully dance kar rahi hai. And I saw a dancing girl at the stage. What you see over here, dancing girl, nasti hui that is adjective plus noun. सो so, यहां का रोल एडजेक्टिव के तौर पे है तो जो तीन तरह के अलग अलग रोल्स आप देख रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको यहां पे नजर आ गए आइए अब आगे बढ़ते हैं अब बात शुरू होगी infinitive की infinitive का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो टू प्लस वीवन का है क्वेश्चन आप यहां सेंटेंस देखो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन नाउ मेन वर्ब इज डिसाइडेड अब कोई पूछे वॉट डिड आई डिसाइड वट डिड यू डिसाइड आपका ऑब्जेक्ट ओवर हेयर यहाँ पे इस्तेमाल कैसे हो रहा है इनफिनेटिव का ऑब्जेक्ट के तौर पर सेकेंड सेंटेंस एक एक कथन है टू एर इज ह्यूमन जैसे कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है सो यहां पर टू प्लस यून का इस्तेमाल कैसे देख रहे हो आप सब्जेक्ट के तौर पर जैसे कोई कहे टू से सो सो इज इज टू से ऐसा कहना आसान है तो जब टू प्लस वी वन का इस्तेमाल आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हैं और ये एक बहुत प्यारा यूज है जिसको आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट्री यूज यानी पूरक के तौर पे यह इस्तेमाल होता है शी इज टू मैरी जैसे कि नाउन का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट uh, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे करते हैं आप जानते हो जब आप कहते हो आई एम अ स्टूडेंट सो हियर अ स्टूडेंट इज वॉट दैट इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट

बट ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है ऊपर वाला भी करेक्ट है और देर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग यू से शी इज 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 टू टू मैरी प्लस वन एज कॉम्प्लीमेंट फॉर द सब्जेक्ट एंड इज द मीनिंग ओवर हिस्स द मीनिंग इज वो शादी करने वाली है वो शादी करने वाली है दैट्स द मीनिंग शी इज मैरिंग वो शादी कर रही है सो so इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया जब आप शी इज टू तो मैरी बोल रहे हो तो वहां का मतलब क्या उसको हम कहते हैं इमिनेंट एक्शन इमिनेंट इमिनेंट का मतलब जो चीज घटित होने वाली है अबाउट टू हैपन जैसे आप इसी सेंटेंस को ये भी कह सकते हो शी वॉज टू मैरी वो शादी करने वाली थी दे वर टू कम वे आने वाले थे यू नो सो अगेन जो बात अभी की गई कि ये सीजन प्रूफ होते हैं ये नॉन फाइनाइट्स हैं यानी टू प्लस यूएन का इस्तेमाल आप किसी भी टेंस में करें देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल और यहां पे ये करने वाली है थी इस तरह से आप देखोगे जिस भी टेंस में जाओ खेलो कोई दिक्कत नहीं है बस ये पता लग रहा है कि ये ये इमिनेंट एक्शन है राइट ही इज टू टेक द ओथ वो वो शपथ शपथ लेने वाले ये सेंस हुआ और वो ले रहे जब आप कॉन्टिन्यूस में हो तो उस समय तो वो एक्शन हो रहा है लेकिन जब आप इमिनेंट एक्शन की बात करते हैं तो वो होने वाला होता है दैट्स द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मीनिंग और यहां पे एक और अच्छा शब्द इसके साथ सीख लेते हैं आप इमिनेंट तो सभी को पता है मोफोनस हैं. एमिनेंट एवरी वन इज अवेयर ऑफ इमिन नहीं पता था जान गए आप इमिनेंट सभी को पता होता है जिसे हम कहते हैं ही इज एन एमिनेंट स्कॉलर पर्सन ऑफ बहुत प्रख्यात हो विख्यात हो बट द थर्ड वर्ड इज इमान मीन्स वॉट ऑमनी प्रेजेंट ऑल पर जो हर जगह मौजूद हो जिसको हम कहते हैं यू क्विटस राइट जब भी गॉड के सेंस में अगर ये वर्ड आ रहा है इवन uh, ये एक्जैक्ट क्वेश्चन भी था आई थिंक एस एस सी सीजियल में आया था फिलर में गॉड इज ब्लैंक प्लेस राइट और ये तीनों वर्ड में दिए गए थे तो वहां करेक्ट ऑप्शन था गॉड इज इमनेंट गॉड इज इमेंट यानी यू बी ऑल ऑमनी प्रेजेंट वॉट वी से एंड एक और मतलब इस शब्द का है इनेट आर द अदर मीनिंग इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी नेचुरल प्रॉपर्टी नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन अब हम बात करते हैं जिरंड की इन्फेनेटिव के आपने यूसेज देख लिया जिरंड का भी देख लो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज यहां पे जिरंड सब्जेक्ट है आई लाइक वॉकिंग में वॉकिंग यानी जिरंड ऑब्जेक्ट हो गया एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज रीडिंग ये जो लिखा गया है ये क्या है ये जिरंड का कॉम्प्लीमेंट्री यूज है क्योंकि जब हम जिरंड और इन्फेनेटिव को कह रहे हैं ये नाउन का इक्की है यानी जिस तरह का रोल नाउन निभाता है वो ये सारे रोल्स निभाएंगे तो नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है और ये भी बन रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस कि मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा लाइक करता हूं वो है पढ़ना और अगेन दिस कुड बी अ ग्रे एरिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल यू मे से सर इसके पहले तो इज लगा है तो ये मेन वर्ब है क्या नहीं जी बिल्कुल ये मेन वो बिल्कुल भी नहीं है राइट आप वैसे भी अगर सेंटेंस का मतलब अभी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या है वो है पढ़ना तो पढ़ना यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि वो पढ़ रहा है ही इज रीडिंग दैट्स अ डिफरेंट केस राइट सो हियर रीडिंग अगेन इट्स जिरंड और जब जिरंड की बात हो रही है ये जिरंड का कॉम्प्लीमेंट्री यूज है तो हम इसे क्या कहेंगे ये एक्टिविटी है ये एक्शन नहीं है ये एक्शन नहीं है ये एक्टिविटी है और यहां पे आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज देख रहे हो पूरक के तौर पे। इज एवरीथिंग ऑल राइट बात समझ में आ रही है जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा होगा जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से सुने और आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हर तरह के रंग में यहां पर समझ में आने की मैं कोशिश करता हूं कि चीजें समझ में आ जाए क्योंकि अगला जो सेशन है हम आरबीआई असिस्टेंट के लिए टारगेटेड प्रैक्टिस uh, करने की शुरुआत कर रहे हैं जो यूट्यूब सेशन है ठीक है आइए आगे बढ़ते अब पार्टिसिपल आपने जेरन का देख लिया इन्फरेटिव का देख लिया आप पार्टिसिपल के यूज देख लें आप uh, यहां लिखा अरुणिमा सिन्हा वॉज थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन जानते हैं आप अरुणिमा सिन्हा को uh, एक इंस्पिरेशन uh, है सभी के लिए राइट right? अब मैं उसके उनके बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं आप जानते ही होंगे राइट एन एम्प्यूटी माउंटेनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पद्मश्री से सम्मानित सो so, अब यहां पे आप देख रहे हो मूविंग थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन वहां पे मूविंग क्या है दैट दैट इज इज एडजेक्टिव एडजेक्टिव और और क्लैरिटी के लिए आर्टिकल कैसे लगा भाई एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले नहीं नाउन फ्रेज के पहले लगा है जो कि बनता है एडजेक्टिव प्लस नाउन से लेकिन वहीं पर ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट में अगर हम देखें तो ये मूविंग क्या है मेन वो है ये सिर्फ इसलिए मैंने दिया कंपेरेटिव एनालिसिस यू नीड नॉट मग अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टेक्सट में होता है तो यहां मूविंग आपका मेन वो है अगला आप देखो यू हैव ब्रोकन दिस चेयर तो यहाँ पे दिस ब्रोकेन इज वॉट दैट इज मेन वो बट देर इज अ ब्रोकेन चेयर इन दिस रूम यहाँ पे सेम ब्रोकेन क्या है एडजेक्टिव है और हमने इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर ली है मेन वर्ब वाले सेक्शन के अंदर आप जानते हैं इस बात को वहां पर हमने इसके बारे में चर्चा की थी अब आप देखो इधर लिखा है ही इज कंफ्यूज आई एम एक्साइटेड ये सारे क्या हैं ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं राइट यहां पे हम एडजेक्टिव से एंड कर रहे हैं सेंटेंस का और यहां पे ये इन प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं सो दैट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार अगर यहां पर यू नो वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है तो ये हमेशा मेन वर्ब होगा यू नो हेल्पिंग वर्ब के बाद ये कई बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि अगर आप यहां पे देख रहे हो पिछले सेंटेंस में तो क्या नजर आ रहा है नजर आ रहा है कि थ्रोन आउट ऑफ तो तो है ये अलग फ्रेज आपको नजर आ रहा है लेकिन आपको जब भी दिख रहा है कई तो बार लोग इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि अगर वीएन प्लस आई एनजी मेन वर्ब है तो उसके पहले इज आना चाहिए ऐसी बात नहीं है इसीलिए मैं सारे एग्जाम्पल्स यहां पर दे देता हूँ जैसे आपने मान लो अगर ये सेंटेंस बोला कि दैट जर्नी वॉज एक्साइटेड तो क्या वहां एक्साइटिंग मेन वर्ब है क्या अरे नहीं वो मेन वर्ब वहां पे बिल्कुल भी नहीं है एक्साइटिंग वहां पे काम किसके तौर पे कर रहा है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे जो इस पर्टिकुलर नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब कर रहा है कोई यात्रा एक्साइट को, हो रही थी ये तो मतलब हुआ नहीं इसका जो यात्रा पे गया था वो उस यात्रा को डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट जर्नी वॉज एक्साइटिंग दैट जर्नी वॉज एक्साइटिंग सो हियर दिस एक्साइटिंग इज बींग यूज एज एन एडजेक्टिव अब आप यहां पे भी देखें ही इज अ कंफ्यूज मैन जब आप कहते हो तब तो वो एडजेक्टिव है और ही इज कंफ्यूज जब आप कहते हो तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है उसी तरीके से जैसे यहां पे ये एक्साइटिंग जो था वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था आप यहां देख लें दैट वॉज एन एक्साइटिंग जर्नी जब आप कहते हो तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि वी प्लस आई और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है स्टीमिंग कॉफी एंड स्टीम्ड मोमोज ये दोनों कॉपी और मोमोज का स्टेट बताते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहां पे चलिए जी अब इन्फिनेटिव के कितने तरह के अलग अलग तरह के यूसेज हैं उसका एक थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लो सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है जैसे यहां पे लिखा है वी सॉ हर गो यानी हमने उसे जाते हुए देखा अब इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जहां पे गो के पहले टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है और यहां पे ये जानकारी किसके बारे में दे रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में तो ये कौन सा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है भाई नाउन का काम है तो सारा काम तो करेगा ही जो नाउन का फंक्शन है नाउन भी प्रपोजिशन के बाद आता है ये भी आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बोलोगे जैसे हम कहते हैं शी इज अबाउट टू स्पीक यानी वो बोलने वाली है सो so, यहां पे टू स्पीक का इस्तेमाल अबाउट के बाद हो रहा है बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं यू हैव नो च्वाइस बट टू फॉलो द ऑर्डर अब जैसे बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि तुम्हारे पास कोई च्वाइस नहीं है ऑर्डर को फॉलो करने के सिवा सो बट इज वॉट That is preposition. उसके बाद आपको दिख रहा है और यहां but का इस्तेमाल आप preposition के तौर पे कर रहे हो conjunction के तौर पे नहीं इस बात का ध्यान रखना और जब भी बट का इस्तेमाल हम करते हैं प्रिपरेशन के तौर पे, तो उसका होता है एक्सेप्ट छोड़कर और क्या यूसेज है लाइक आई है क्वालिफाई करने के लिए भी कई बार इस्तेमाल हो जाता है इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लाइक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक सो टाइम इज नाउन एंड टू टॉक इज एक्चुअली क्वालिफाइंग पर्टिकुलर नाउन कई बार इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हो जाता है जैसे आप कहते हो आई एम रेडी टू लर्न आई एम रेडी टू लर्न सो यू आर रेडी फॉर वॉट तो यहाँ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख रहा है अब हम चल रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव और यहां से थोड़ा सा चैलेंज शुरू होता है यहां से एक्चुअली एडवांस वर्ग थोड़ा एडवांस होता है

तो एक्टिव वॉइस में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये चार स्ट्रक्चर आ गए यानी टू प्लस वी वन सबसे बेसिक है फिर प्रोग्रेसिव इंफिनेटिव की बारी आती है जिसको हम कहते हैं टू बी प्लस वी वन प्लस आई जी फिर बारी आती है परफेक्ट इन्फिनेटिव की जहां पे स्ट्रक्चर होता है टू हैव प्लस वी थ्री और फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंफिनेटिव आता है जहां पर स्ट्रक्चर होता है टू है अगर आप पैसिव की बात करें तो हमारे पास सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव भी होता है जहां पर स्ट्रक्चर टू बी प्लस वी थ्री और टू हैव बीन प्लस हो जाता है अब प्रोग्रेसिव इंफेटिव का कैसे इस्तेमाल हो रहा है देखो वही सिंपल टेंस वाला फंडा है कि आप प्रोग्रेसिव टेंस कब इस्तेमाल करते हैं लिखा वाइट इंडिकेट्स दैट इन इवेंट इज वॉज विल बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वही बात कि जब आप वो बात कर रहे हो तब वो काम हो रहा है ये मतलब है किसका यह मतलब है आपके प्रोग्रेसिव का तो इन्फिनेटिव के के केस में भी कुछ ऐसा ही है अब एग्जाम्पल्स के जरिए जरा इसको समझेंगे हम लेकिन उसके पहले ये देखो आपकी ये एग्जाम्पल्स हैं लेकिन उसके पहले एक और बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया होता है इन्फिनेटिव का नेगेटिव फॉर्म वो कई बार नहीं समझ पाते नॉट की प्लेसमेंट सही नहीं लगती तो जरा उसको आप देख लें यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया शी डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू शॉप अभी पीछे हमने सेंटेंस लिखा था अगर आपको कहा जाए कि मेक नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस राइट सो कैसे आप उसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर करोगे आई डिसाइडेड नॉट टू ओपन या शी डिड नॉट डिसाइड टू ओपन अ शॉप डिसाइडेड नॉट टू ओपन अ शॉप तो आपको अब ये च्वाइस अगर दी जाए यहां पर च्वाइस आपके सामने लिखी है आप मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में क्या लग रहा है शी डिड नॉट डिसाइड टू ओपन अस इज द नेगेटिव या शी डिसाइडेड नॉट टू ओपन है बिल्कुल सपना दैट इज कॉल्ड डिराइव एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल को हम डिराइव बोलते हैं अब देखो कितना सिंपल सा सेंटेंस है डिसाइडेड टू ओपन अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा सेंटेंस को ध्यान से समझो उसने डिसाइड किया है एक नई दुकान खोलना उसने डिसाइड किया है एक नई दुकान खोलना अब जैसे प्रिया यहां पे कह रही है डिड नॉट राइट सो so, प्रिया आप जरा इसका सेंस निकाल के देखो क्या सेंस निकल के आ रहा है अगर आपने कह दिया शी डिड नॉट डिसाइड तो इसका मतलब कि उसने डिसाइड ही नहीं किया यहां पे इनफिनेटिव का नेगेटिव बनाना है मेन वर्ब का नहीं मेन वर्ब इज डिसाइडेड तो जैसे मैंने ये कहा कि प्रिया ने ये डिसाइड किया है कि वो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगी या वो इस कोर्स में एडमिशन लेंगी राइट right? कुछ भी इस तरह का फिर प्रिया ने डिसाइड किया है कि वो इस कोर्स में एडमिशन नहीं लेंगे तो दोनों प्रिया का ही डिसीजन है सो डिसाइडेड इज मेन वर्ब मेन वर्ब का नेगेटिव हमें नहीं बनाना है इनफिनेटिव का बनाना है और का नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिस वन इज इनकरेक्ट दिस इज करेक्ट शी डिसाइडेड नॉट टू ओपन अ न्यू शॉप राइट तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए डिसाइडेड में कोई बदलाव नहीं होगा ये तो फाइनाइट वर्ब है आपको नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनेटिव में चेंज करना है और वहां सिंपली नॉट टू ओपन दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ठीक है अब आइए सिंपल इन्फेनेटिव का तो आप जानते ही आई वॉन्ट टू डू दिस आई टू मीट दिसम कुछ भी जो टू प्लस वी वन आप लगाते हो यहां पे शुरुआत हो रही है उनसे जहां पे आपको दिक्कत होती है प्रोग्रेसिव इन्फेनेटिव अब जैसे मान लीजिए यहां पे दिख रहा है शी अपियस टू बी लिविंग इन दिस सिटी ऐसा प्रतीत होता है कि वह शहर में रह रही है तो यहां देखो अपियर्स आपका हो गया फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब और उसके बाद टू बी प्लस वी एन प्लस आई एन जी जो कि इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है ठीक परफेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल आपको मिल गया अगला लिखा है सही तरीके से इंग्लिश के स्ट्रक्चर में जाहिर कर सकते तो अगर आपको यह कहना है कि यार उसने ऐसा बहाना बनाया जैसे मेरा नाम भूल चुका हो देन हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस फीलिंग इन इंग्लिश सो शी प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन और वही आपने देखा है पीछे के स्लाइड में यहाँ क्या दिख रहा है टू हैव प्लस वी थ्री ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है और परफेक्ट का मतलब ही होता है कि भाई वो काम पूरा हो चुका था जो परफेक्ट कहते हैं तो जैसे वो भूल चुकी है अब देखो परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी एक तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यू अपियर टू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ समय से मेरा पीछा कर रहे हो मेरी जासूसी कर रहे हो अब अगर इस बात को आपको कहना है ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तुम पीछा कर रहे हो ये अलग है तो वहां पे तो आप कह लोगे यू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी बट ऐसा प्रतीत होता है ऐसा मालूम पड़ता है ऐसा जान पड़ता है कि तुम कुछ समय से मेरी जासूसी कर रहे हो अब इस बात को अगर आपको कहना है तो वहां क्या लेना पड़ेगा वहां परफेक्ट प्रोग्रेसिव लेना पड़ेगा यू अपीयर टू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी बिकॉज हेयर द फोकस इज ऑन ड्यूरेशन बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर सर्टन पीरियड और इधर देखो आप अब ये पैसिव भीटिव हो गया दिस होमवर्क इज टू बी डन बाय मी तो टू बी प्लस वी थ्री तो बहुत सिंपली करते हैं आप ये तो में पढ़ते हैं कुछ और ये सारे ना लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के बनाए हुए सेंटेंस हैं जब उनको बात समझ आ गई जा बनाओ सेंटेंस अब सो लाइफ इज टू बी एंजॉयड इन एनी सिचुएशन टू बी प्लस वी थ्री दिस टास्क वॉर्ड सपोज टू हैव बीन कंप्लीटेड बाई द लास्ट मंथ अब आप यहां पर देखें आप यहां पे दोनों के यानी जो आपका ये क्या है ये एक तरह से फाइनाइट वर्ब है यानी मेन वर्ब ये भी आपका पैसे वॉयस में है वॉच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो और यहां पे क्या है ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसे वायस आपको नजर आ रहा है इसीलिए टू हैव बीन कंप्लीटेड राइट अब पीछे देखो आप जब एक्टिव में था तो टू हैव बीन प्लस प्लस था बट वहां पे वही वाली बात ये वाला हो गया टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो स्ट्रक्चर आपको यहां पे नजर आ रहा है दैट दिस टास्क वॉज सपोज टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय लास्ट मंथ तो ऐसी उम्मीद की गई थी कि जो काम है ये पिछले महीने तक पूरा हो चुका हो ऑल सिस्टम चेक एज सुन एज पॉसिबल एस ए पी सो ऑल सिस्टम्स आर टू बी चेक एज सुन एज पॉसिबल सो टू बी प्लस बी थ्री प्राइसेज आर क्लेम टू हैव बीन रिजन अगेन राइट म कहानी अगेन फाइनाइट वो भी पैसे वाइस में है और नॉन फाइनाइट भी आपको वहां पर पैसे वायस में दिख रहा है टू हैव बीन रिजन टू है मतलब है यह परफेक्ट जो आपका इंफेनेटिव है उसका पैसे फॉर्म है वही सिंपल सी कहानी जैसे आप नॉर्मल स्ट्रक्चर में करते हैं ही हैजन दिस एंड दिस हैज बीन डन बाई हिम शी इज बिलीव टू हैव बीन इंजर्ड again इन द एक्सीडेंट नहीं अगेन तो पीछे वाले to have been रीजन again. She is believed to have been injured in the accident. तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो इस एक्सीडेंट में इंजर हो चुकी so, have सो टू अब भाई घटना जब एक्सीडेंट हो जाता तो ये पता तो नहीं लगता कैसे हुआ उस समय कोई अगर रोड पे पड़ा है कौन सी गाड़ी टक्कर मार के गई सो अगेन द फोकस इज ऑन एक्शन दैट इज वाई यू आर यूजिंग द एक्सीडेंट तो यह आपका इन्फिनेटिव का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है राइट सो वॉट डू यू वॉन्ट पूरा खत्म करना चाहते हो है अब हैवी हो गया मैं वही चाह रहा था ना कि आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए आप बाद में देखोगे दो बार देखो तीन बार देखो आपकी च्वाइस है बट मेरे एंड से यह चीज आप तक पहुंच जाएगी या वॉट डू यू से should be do the rest of the thing in the next session. अब देखो इसमें अगला जो चैलेंज आता है ना वो चैलेंज ये आता है कि भाई हम कहाँ जिरण लगाएं कहां इन्फिनेटिव लगाएं कहां जिरण लगाएं और कहां इन्फिनेटिव लगाएं ये बड़ा चैलेंज है तो आपको अगेन जैसे इधर देखें आप नेक्स्ट चैलेंज इज दिस ओनली आई अवॉइड सिंगिंग या टू सिंग दैट सॉन्ग क्योंकि जब आप कहते हो कि आ, मैं कम्प्लीट कर दूँ जैसे आप जब कहते हो ये कि भाई मुझे जिरेंड और इन्फिनेटिव दोनों नाउन की वैलेंट हैं तो एंड इसका मतलब क्या दोनों तब ऑब्जेट का काम कर सकते हैं क्या जैसे यहाँ पे च्वाइस दी गई एक सिंपल बच्चे मतलब एक सिंपल से दिमाग में ये सवाल आएगा ना दिस इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक क्वेश्चन सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई देखो जिरण चूज़ करोगे या इन्फिनेटिव चूज़ करोगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स हैं जो अपने बाद जिरण प्रेफर करते हैं कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं इनकी लिस्ट अगेन किताबों में अवेलेबल होती है लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों लेते हैं और कई बार हमें इनकी समझ नहीं होती जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब वर्ड यहाँ पे वर्ब लिस्ट किए हुए हैं कि यह वो वर्ब हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं जैसे अभी आपने देखा डिसाइड का तो अगर मान लो कोई कह दिए कि आई डिसाइडेड ओपनिंग अ न्यू शॉप या आई डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू शॉप तो आपको पता है कि भाई डिसाइड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे तो डिसाइड के साथ हम टू ओपन करेंगे ये क्लियर है आपको तो यानी ये अपने साथ क्या लेगा इन्फिनेटिव लेगा जिरण नहीं लेगा उसी तरीके से अगर हम अवॉइड की बात करें आई अवॉइड टू गो देयर आई अवॉइड गोइंग देयर तो अवॉइड टिपिकली जिरण लेता है

अब देखो जैसे ऑर्डर है इनवाइट है ओब्लाइज अलाउ परमिट इंस्ट्रक्ट टेल एनकरेज रिक्वेस्ट अर्ज शो रिमाइंड फॉरबिड अब इसके एग्जाम्पल देख लें आप जैसे टेल है तो पहले क्या आ रहा है टेल uh, के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर इन्फिनेटिव आ रहा है ही टोल्ड मी टू गो देयर उसने मुझको बोला वहां जाने के लिए या माय मदर इंस्ट्रक्टेड मी टू क्लीन द हाउस तो यहां इंस्ट्रक्ट वर्ब है तो सीधा आप इन्फिनेटिव नहीं लगाओगे पहले किसको इंस्ट्रक्ट किया गया यानी ऑब्जेक्ट एंड देन यू कैन यूज इन्फिनेटिव

तो दोनों के मीनिंग में क्या फर्क आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है देखें आप जैसे पहला वर्ब है स्टॉप अब स्टॉप के बाद अगर आप इंफिनेटिव लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आप वहां पे टेम्परेली पॉज कर रहे हो ठीक है अब स्टॉप का स्टॉप जिरण भी लेता है इंफिनेटिव भी लेता है जैसे अवॉइड में आपने देखा कि अवॉइड सिर्फ जिरण ले रहा है या डिसाइड इन्फिनेटिव ले रहा है बट स्टॉप के साथ ऐसा नहीं है हो सकता कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए स्टॉप यही लेता है बट डिटेलिंग में जब आप जाएंगे तो ये चीजें नजर आएंगी आपको अब देखो आप शी स्टॉप टू बाई सम राइट वो रुकी कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए और यहां पे क्या लिखा है स्टॉप इस का इस्तेमाल स्टॉप इस के बाद अगर आप जिरण का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो चीज खत्म हो गई परमानेंटली रुक गई एग्जाम्पल भी सामने है आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम आफ्टर दैट अन इंसिडेंट अब यहां पे आप क्या देख रहे हो स्टॉप के बाद टॉकिंग आ गया यानी आपने उससे पूरी तरीके से बातचीत बंद कर दी तो आप अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं रास्ते में रुकते हैं सब्जी लेने के लिए सामान खरीदने के लिए फल खरीदने के लिए वो टेम्परि पॉज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉप के बाद आप टू प्लस जीवन लगा सकते हो लेकिन कोई चीज़ परमानेंटली आपने रोक दी तो वहाँ क्या लगेगा वहाँ जिरण लगेगा ये सब नुवेंसेज हैं यूसेज के जो आपको ध्यान में रखने हैं अगेन देखो फॉरगेट के साथ अगर फॉरगेट के साथ आप इन्फिनेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब फॉरगेट टू डू समथिंग लाइक ही फॉरगेट टू लॉक द डोर्स यानी वो डोर को लॉक करना भूल गया यहाँ पे ये आपका क्या दिख रहा है ये फॉरगेट टू डू समथिंग वाला मामला है लेकिन अगर फॉरगेट के बाद जिरण लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि एक पास्ट इवेंट को आप भूल गए एग्जाम्पल आपके सामने है आई हैव फॉरगॉटन मीटिंग हिम अब देखो यहाँ पे फॉरगॉटन के बाद मीटिंग आया हुआ है जिरण इसका मतलब कि आप भूल चुके हो उस मुलाकात को जो इंसान के साथ आपकी हुई थी आई विल नेवर फॉरगेट विजिटिंग कश्मीर मैं कभी नहीं भूल, भूलूंगा कश्मीर को विजिट करना तो यहां पे अगेन क्या देख रहे हैं आप यहां पे वही बात है कि पास्ट इवेंट के भूलने के से रिलेटेड है ये नहीं भूलोगे तो नॉट फॉरगेट लगा दिया आपने यू विल नॉट नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूलोगे रिमेंबर के साथ भी सेम कहानी चलती है अगर रिमेंबर के बाद इन्फेनेटिव है तो इसका मतलब आप कुछ करना आपको याद है डू रिमेंबर टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली याद रखिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना जैसे जब आप एग्जाम राइट right करने जाते हो ये सुझाव आपको दिया जाता है लेकिन वहीं रिमेंबर के बाद अगर जिरण लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप एक पास्ट ईवेंट को रिकॉल कर रहे हैं जैसे वहाँ पास्ट ईवेंट को बोलने की बात थी यहाँ याद करने की बात है आई डोंट रिमेंबर मीटिंग हर बिफोर मुझे नहीं याद है कि मैं उससे पहले कब में लाऊँ ट्राई अब ट्राई देखो ट्राई के साथ भी इन्फिनेटिव और जिरन लगता है इधर हम की बात कर रहे हैं ट्राई का मतलब जब आप कहते हैं मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं टू डू वंस बेस्ट अटेम्प्ट करना आई ट्राई टू डू बेस्ट तो यहां आप देख रहे हो कि ट्राइड के बाद इन्फिनेटिव लगा है बट इधर देखो आप ट्राई के बाद अब क्या दिख रहा है आपको यहां जिरण दिख रहा है ट्राई एडिंग मोर चीज टू योर पिज्जा जैसे होता है ना थोड़ा और नमक डाल के देखो थोड़ा और मिर्च डाल के देखो थोड़ा और चीज डाल के देखो तो जब आप कोई काम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते हैं ट्रायल एरर वाला जो मामला होता है तो जब वो ट्राई वाला मामला जरा ट्राई करके देखो क्या होता है टाइप तो वहां पे आप जुर्ण लगाओगे बट लिटरली जब आप कोई काम कर रहे हो तो उधर आप टू प्लस वीवन का इस्तेमाल कर रहे हैं अब रिग्रेट जो शब्द है अब रिग्रेट के बाद अगर इंफरेटिव लग रहा है तो उसका मतलब बी सॉरी टू दुखी होना जैसे सेंटेंस लिखा हुआ आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव फेल्ड इन दिस टेस्ट मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो जैसे अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वो सामने वाला इंसान अगर फेल हुआ है तो इसमें गलती आपकी है बट आउट ऑफ करट ही हम अपना दुख व्यक्त करते हैं क्योंकि आप उसको एक अच्छी न्यूज तो, तो नहीं सुना रहे लेकिन वहीं पर अगर रिग्रेट के बाद आप जिरण लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है मतलब फील सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन यहाँ पे आपने कुछ गलत नहीं किया था ये न्यूज क्योंकि आ, उस इंसान के लिए प्लेजरेबल नहीं है प्लेजेंट नहीं अनप्लेजेंट न्यूज है तो आपने वहां पे आउट ऑफ कर्ट सी इस्तेमाल किया बट यहाँ पे सेंस क्या है यहाँ पे आपका कुछ, कुछ कृत्य है जो कि अच्छा नहीं है और उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं सो आई रिग्रेट टेलिंग लाइज टू माई फ्रेंड आई रिग्रेट टेलिंग लाइज सो हियर रिग्रेट टेक्स जिरंड अगला देखो बी सॉरी का मतलब बी का मतलब इज एम आर वॉज वर कुछ भी लगा लो तो बी सॉरी का मतलब फील sad आई एम सॉरी टू हियर द न्यूज ऑफ हिज डिमाइज जैसे किसी का देहावसान हो गया तो हम वहां पे दुख व्यक्त जब करते हैं सो आई एम सॉरी टू हेयर द न्यूज अब सॉरी के बाद टू प्लस वी वन आपको नजर आ रहा है और इधर देखें आप बी सॉरी फॉर या ये यूज होता है जब आप सही में क्षमा मांग रहे होते हैं अपोलोजाइज कर रहे होते हैं आई एम सॉरी फॉर बींग रूड मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस समय मैं थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था आई एम सॉरी फॉर बींग रूड या कर रहा हूँ जो भी करने के बाद ही मानोगे ना गलती करने के बाद क्षमा प्रार्थी हैं आप अब ऐसे ही देखिए गो है गो के बाद अगर इन्फिनेटिव लग रहा है तो वो एक्शन दिखाता है लाइक आई वेंट टू सी हिज एलिंग पेरेंट्स मानी मैं उनके बीमार पेरेंट्स को देखने गया तो वेंट के बाद टू तो सी एक्शन हो गया लेकिन इधर देखो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं आई ऑफन गो फॉर हाइकिंग अब आप देखिए इसीलिए गो फॉर लिखा है और उसके बाद जब आप जिरण लगा रहे हो यहाँ पे तो ये हमेशा किसकी बात करता है एक्टिविटी की बात करता है, है भाई तो आई गो फॉर हाई आई ऑफन गो फॉर हाइकिंग मैं होते हैं। कही बार, कहीं से आप पढ़ते हैं वहां पे अगर है पूरी नहीं, तो आप परेशान होते हो वो इंफॉर्मेशन सही थी कि ये इंफॉर्मेशन सही है तो यहां देखो आप वुड प्रेफर या लाइक like, या लव के साथ अगर हम इंफिनेटिव लगाते हैं तो ये स्पेसिफिक होता है यहां पे आप इस तरह की सिचुएशन इमेजिन uh, कर सकते हैं कि सपोज जैसे एक uh, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं आप पिकनिक के लिए जा रहे हो कहीं पे दस पंद्रह बीस लोग और पिकनिक के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज़ डिसाइड कर रखी हैं यू नो कि भाई सिंगिंग करनी है डांसिंग करनी है स्किट करना है प्ले करना है मिमिक्री करनी है, कुछ भी इस तरह की और फिर आपने पांच एक्टिविटी के नाम रखे और जितने लोग थे वहाँ पे आपने उनसे कहा कि भई अब आप चूज़ कर लो आप किस में पार्टिसिपेट करोगे तो कोई सामने वाला कह रहा है कि नहीं आई वुड प्रेफर टू सिंग तो यही लिखा ये स्पेसिफिक है यह उस मौके के लिए है जिस समय की बात हो रही है लेकिन वहीं पर अगर आप ये सिंपली ये कहते हो आई लाइक सिंगिंग आई लव सिंगिंग और आई लाइक टू सिंग तो अब दोनों सही है यहां पे आई लाइक टू सिंग जब आप कह रहे हैं तो वो स्पेसिफिक लाइक यू हैव फोर चाइसेज और फाइव च्वाइस और उनमें से आप एक चीज को वहां स्पेसिफाई करते हो कि मैं इस समय ये करना चाहूंगा मैं सिंग करना चाहूंगा तो आई लाइक टू सिंग बट जब आप कहते हो आई लाइक सिंगिंग सो दैट इज नॉट स्पेसिफिक दैट इज जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू लाइक सिंगिंग आपको गाना पसंद है दैट्स देंस आउटर राइट एंड सेम इज दस विद हेट एज वेल लाइक आई हेट टू इंटरजेक्ट बट आई मस्ट डू नाउ मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता बीच में दखल देना बट मुझे करना ही पड़ेगा तो वो क्या है अगेन स्पेसिफिक है बट आई हेट मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल आई हेट मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज पर्टिकुलरली इन इंटरव्यू सिरियो यू नो समाइम अब जो इंटरव्यूअर है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे या शायद डिफिकल्ट से ज़्यादा वो स्ट्रेस इंटरव्यू कर रहा है आपको आपके सही जवाब पे ही इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सब गलत ही है तो वो आप जाहिर तौर पे उस समय कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे है राइट तो उसने क्या कहा आई हेट मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल सो यहां पे हेट देखो व्हाट वन इज अबाउट टू डू जो आप करने वाले हैं उससे अगर आप हेट कर रहे हैं तो वहां टू प्लस डी लगाएंगे और यहाँ हेट के साथ अगर वी वन प्लस आई लगाते हो तो यहाँ मतलब क्या हो जाता है फील सॉरी फॉर वॉट वन इज डूइंग जो उस समय आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आप क्षमा प्रार्थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें एक यू नो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहा हूँ बट यू नो आई एम बाउंड टू डू दैट बिकॉज दैट द वेरी नेचर ऑफ माई जॉब यू नो माई जॉब इज टू ग्रिल यू एंड दैट्स वाई आई एम पुटिंग यू इन दिस सिचुएशन बट आई हेट डूइंग दिस मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो दीज आर दटेलिटीज आर नुवेंसिस एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न राइट एंड जब आप अच्छी इंग्लिश पढ़ते सुनते देखते हैं तब तो इन चीजों से मुलाकात आपकी होती है तो आई थिंक अब आज से आपके बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि लाइक के बाद क्या लगाएं लगता दोनों है यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इफ इट इज जनरल you know it's a generic sense then in that case you can simply go with gerund and when it is specific to remember this point of difference general and specific for a specific go with the uh, infinitive and for general go with gerund right so uh, i think this much is sufficient for today's class this is bare infinitive again one of the very important topics uh, are you ready to take this आज के लिए बहुत हो गया या ले सकते हो आप कुछ और खुराक हाउ मेनी लेफ्ट आई थिंक नॉट मच इट चलिए आगे के लिए भी कुछ रखते हैं आज के लिए इतना पर्याप्त है बेयर इन्फरटिव के बारे में फिर कभी बात कर लेंगे छोटा सा टॉपिक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर प्रिया कह रही है हेट समझा दीजिए प्रिया देखो साफ साफ लिखा है हेट वन इज अबाउट टू डू ऐसा मामला है तो आप इन्फेटिव लगाएंगे जैसे ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये ग्रुप डिस्कशन में आप यूज कर सकते हो अब देर इज अ ग्रुप डिस्कशन यू नो सिचुएशन और वहां पे आपको बीच में दखल देना पड़ रहा है तो जैसे होता है ना कि कोई अगर बात कर रहा है तो बीच में अगर आप रोकते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता तो वही चीज है कि जो आप तुरंत करने वाले हैं वॉट वन इज अबाउट टू डू उसके लिए अगर आप सॉरी हैं उसको वो चीज पसंद नहीं आ रही तो आप वहां पे लगा लेते हो इन्फिनेटिव और हेट के साथ जिरण जो है यू आर फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट वन इज डूइंग राइट सो वन फील सॉरी फॉर व्हाट वन इज डूइंग यहां पे लिखा आई हेट मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल सागर कुमार बस ऐसे ही होगा स्ट्रांग हर एक चीज क्लैरिटी के साथ सीखते हुए ठीक है सूरज और खुराक ले सकते हैं कोई बात नहीं साक्षी ने लेट ज्वाइन किया है तो आज जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा बेयर इन्फिनेटिक की चर्चा फिर कभी हो जाएगी अः कोई दिक्कत नहीं है फिर मुलाकात हो जाएगी अभी जो हम सीरीज शुरू